It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for gate till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल अनअकैडमी ग्रेट CCH। एक बार सब लोग कमेंट करके बताएंगे भाई ऑडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इरीगेशन चल रहा था यार अपना, इरीगेशन को हम लोग बढ़ाएंगे आगे। क्रैश कोर्स चल रहा था और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग आज इरीगेशन रिक्वायरमेंट्स जो तुम थंबनेल में देख पा रहे हो, इरीगेशन रिक्वायरमेंट्स और इरीगेशन का जो हम लोग का वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स वाला चैप्टर चल रहा था उसको आज हम लोग बढ़िया तरीके से उड़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो भाई जल्दी से एक बार सब लोग फटाफट क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे कि ऑडियो क्लियर है और सेशन को जल्दी से लाइक शेयर कर देंगे सब लोग। ठीक है, चलो भाई और शेयर वेयर कर दो ताकि बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं और सबका बढ़िया से फायदा हो जाए यहाँ पे। ठीक है सर, शुरू करते हैं अपनी क्लास को बेहतरीन ढंग से यहाँ पे। ठीक है, सभी लोग हमको जानते हैं सर की बेस्ट गेट रैंक 55 है और
3-in-1 है सर, एक्सपर्ट हैं GATSE के अंदर। सर ने यहाँ पे और भी एग्जाम्स के लिए पढ़ा रखा है, एमटेक सर ने IIT से कर रखा है, बेस्ट गेट्स को 92 है, टीचिंग एक्सपीरियंस सर का 4 साल का हो चुका है, सब्जेक्ट्स ये सारे हैं जनरल जो तुमको सर पढ़ाते हैं। अभी फिलहाल यूट्यूब पे 2 सेशन सर ले रहे हैं, सबको पता है बात, 9:30 बजे सुबह चल रहा है मैथमेटिक्स, जिसके अंदर हम लोग प्रोबेबिलिटी को बहुत ही बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स के साथ समझते हुए चल रहे हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी चल रहा है। जिन बच्चों को गेट देना है वो जुड़ सकते हैं सेशन में, बहुत बढ़िया सेशन चलता है सुबह, ठीक है। और 1:30 बजे हम लोग क्या देखने वाले हैं बेटा, 1:30 बजे हम लोग देख रहे हैं इरीगेशन का क्रैश कोर्स जो कि रोज चल रहा है, ठीक है, सबको पता है बात, अभी जिसमें तुम क्लास में हो वो इरीगेशन का क्रैश कोर्स है, ये भी गेट के लिए चल रहा है। और तीसरी क्लास जो हम इस समय ले रहे हैं वो ले रहे हैं शाम को 4 बजे जो बच्चे सोम की क्लास करना चाहते हैं, CTQ चला रहे हैं उसमें सोम का, तो तुम वो देख सकते हो कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन ऑन सोम, तो बढ़िया से तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर, तो बढ़ते हैं हम लोग अब आगे। और सबको पता है यहाँ पे 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी के ऐप पे मिलते हैं, जिसमें एक प्लस है, प्लस के अंदर लाइव क्लासेस हैं, ज़बरदस्त क्रैश कोर्सेज होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, बहुत सारे डाउट सॉल्विंग फीचर्स हैं यहाँ पे हर 4th दिन, तो मतलब डाउट्स तो देखो अपने पूछ ही लेते हो, है ना, इसमें तुम कॉल और चैट दोनों ही ऑप्शन सामने हैं, है ना, ठीक है सर। बाकी इंग्लिश हिंदी बैचेस हैं, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस हैं प्लस के ऊपर, और आइकॉनिक में प्लस के सारे फीचर्स हैं। और यहाँ पे आइकॉनिक में एक्स्ट्रा क्या है सर, आइकॉनिक इतना खास क्यों है, क्योंकि इसके अंदर तुमको देखो एक पर्सनल कोच, एक पर्सनल मेंटोर मिलता है जो तुम्हें गाइड करेगा, डाउट्स क्लियर करेगा, स्टडी मटेरियल तुमको यहाँ पे मिल रहा है, प्लानिंग करने में हेल्प करेगा, मतलब बल्कि तुम एक चीज़ देखोगे यहाँ पे आइकॉनिक में बढ़िया 1-on-1 मेंटोरिंग फीचर है, 1-on-1 लाइव है ना, मतलब इसमें क्या है कि तुम एक पर्सनल कोच तुम्हारे लिए स्पेशली है जिसका काम है सिर्फ तुम्हें गाइड करना, तो तुम इस पर्सनलाइज लर्निंग को एक्सपीरियंस करो जो कि आज से पहले कभी भी नहीं हुई है ना किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो बहुत ही बढ़िया फीचर यहाँ पे तुमको आइकॉनिक के साथ मिल रहा है, CS10 कोड यूज़ कर सकते हो तुम यहाँ पे जुड़ने के लिए आइकॉनिक के ऊपर। बाकी अपने डाउट्स तुम अनलिमिटेड पूछ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो, कितने ही क्वेश्चन पूछो कभी भी पूछो, दिन में होमवर्क की असिस्टेंस, हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशंस तुमको मिलेंगे यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में, और एक्यूरेट सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। और प्लस की जो फीस है यार वो देखो 1 साल 1.5 साल और 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन प्राइस है वो 29,000 अराउंड, 37,000 अराउंड, 42,000 के अराउंड है CS10 कोड लगाने के बाद, ठीक है। चलिए ठीक है सर, कोड लगाने की बात हो गई। और आइकॉनिक की अगर हम बात करें तो 1 साल 1.5 साल और 2 साल की जो फीस है वो 45,000, 58,000 और 66,000 रिस्पेक्टिवली है आफ्टर यूजिंग द कोड CS10। कोड लगाओ, पैसे बचाओ, अपने हार्ड अर्न मनी बचाओ और बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। प्राइस बढ़ने ही वाली जल्दी, तो रिक्वेस्ट ये है सभी से कि जो बच्चे लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन अगर जल्दी से ले सकते हैं इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इट्सेल्फ, क्योंकि प्राइस बढ़ने वाला है, ठीक है। और ऑफर अलर्ट आ गया वापस से, ऑफर अपना ये अलग कमाल का ऑफर था सर, क्या था इसके अंदर सर, 6 महीने के साथ 3 महीने फ्री मिल रहे हैं सर, एकदम धमाकेदार ऑफर चल रहा है यहाँ पे अनअकैडमी के ऊपर इस समय, ताकि देखो तुम्हारे 6 महीने पेपर निपट जाएंगे, उसके बाद तुमको अगर मेंस की तैयारी करनी है तो उसका मौका भी तुम्हें यहाँ पे मिल रहा है बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए सर समझ गए, तो हम लोग को 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे यहाँ पे और इस सब्सक्रिप्शन को हम लोग ले लेंगे। और बैचेज जो चल रहे हैं देखो 29 सितंबर से शोभित सर तुमको FM पढ़ा रहे होंगे बढ़िया तरीके से, तो उसको भी तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो, आरोहण बैच चल रहा है, ठीक है। बाकी अभिषेक सर अभी इन्वायरमेंट पढ़ाने, बाकी तुम किसी भी एजुकेटर को फॉलो करके कोई भी कोर्स कभी भी लाइव या रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो, वो तो कोई इशू है ही नहीं, है ना। चलो भाई, तो हम लोग पढ़ते हैं अपना कंटेंट के ऊपर, और पढ़ रहे थे यार हम लोग इरीगेशन, सबको पता है इरीगेशन चल रहा था सर अपना, आते हैं जल्दी से इरीगेशन, भैया खुल जाइए इरीगेशन जी, इरीगेशन जी कहाँ हैं आप, आइए वापस से। तो हम लोग यहाँ पे देखो एक बार थोड़ा सा तुमको हम रिकैप कराते हैं क्या क्या हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। हम लोग ने सर ऐसा था कि देखिए टाइप्स एंड मेथड वाला चैप्टर तो सर अपना हो गया खत्म, सॉइल मॉइस्चर में भी हमने देख लिया, मेनली आपने सर हमको बताया कि मिट्टी किस तरह से पानी को अब्जॉर्ब करती है, टाइप्स ऑफ वाटर क्या है, ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है सर, कैपिलरी वाटर क्या होता है, ईजिली अवेलेबल मॉइस्चर क्या होता है, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप के अंदर मॉइस्चर कॉन्स्टेंट्स और डेप्थ ऑफ वाटर के फॉर्मूले वगैरह समझे थे सर, हमको इस चैप्टर की बात समझ में आई थी। हाँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, है ना। अब हमने उसके बाद शुरू किया था वाटर रिक्वायरमेंट, इसके अंदर हमने क्रॉप सीजन के बारे में देखा, बेस पीरियड, क्रॉप पीरियड, ड्यूटी डेल्टा, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी, इन सब चीज़ों के बारे में समझा था। आज हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैनाल इरिगेशन में मतलब हम लोग किस तरीके से जब इरिगेशन करते हैं तो और क्या क्या टर्म्स हैं जो काम आते हैं, इरिगेशन एफिशिएंसीज क्या होती हैं, इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा ये भी, यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आज हम लोग ये वाला चैप्टर भी खत्म कर दें ताकि अपने इरिगेशन का मेजॉरिटी पोर्शन जो आता है एग्जाम में वो हो जाए खत्म, क्योंकि ठीक है बाकी इसके बाद क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं नहीं, इसके बाद एक चैप्टर थोड़ा कैनाल डिजाइन है, यहाँ से एक आध क्वेश्चन बन सकते हैं बस, फिर तो समझ लो ज़्यादा वेटेज वेटेज है नहीं, है ना। सीधी बात तुमको बताएं तो वाटर लॉगिंग तो बहुत ही छोटा सा है और लीस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मतलब ये मान के चलो आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इतनी चीज़ें ज़्यादा हम लोग को दिमाग नहीं लगानी है, ठीक है। तो सर आपने क्या क्या पढ़ाया था हमको, टाइप्स ऑफ इरीगेशन प्रोजेक्ट बताया था, ठीक है, जब देख लो यहाँ पे सब लोग एक नज़र मारेंगे, ठीक है। आज हम लोग हल्का सा रिवाइज भी कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गुड आफ्टरनून सभी को, चलो सभी क्वेश्चन बन रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, वर्ल्ड टूरिज्म डे है आज,
ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, वर्ल्ड टूरिज्म डे चल रहा है, गुजरात पहुँचे। तुम गुजरात से हो क्या बेटा? तभी तुम बहुत गुजरात की बातें कर रहे हो, हम देख रहे हैं। बायस चल रहा है बायस। चलो ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म डे आज कौन सा दिन है? 26-27 है आज, है ना, 27 सितंबर को होता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। चलो बढ़िया है। तो हमने यहाँ इरीगेशन प्रोजेक्ट्स की बात करी थी, टाइप्स ऑफ इरीगेशन तुमको सब सरफेस सरफेस सब सरफेस बताया था, और फ्लो के बारे में, लिफ्ट के बारे में तुमको बताया। हमने मेथड में फ्री फ्लडिंग देखा सर, काफ़ी इसमें लॉसेज वगैरह थे, ठीक है, फ्री फ्लडिंग के अंदर। फिर बॉर्डर थोड़ा सा अच्छा था, एक एक हम लोग स्टेप्स में अपनी फील्ड को डिवाइड करते थे। फिर सर आपने हमको चेक फ्लडिंग के बारे में बढ़िया समझाया, जिसमें सर हम लोग लैंड को बहुत सारे मतलब चेक्स लगा के लेवीज बना के हम लोग एरियाज में डिवाइड करते थे छोटे छोटे, जिससे पानी का फ्लो रुक जाता था, है ना। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। गुड आफ्टरनून सभी को। और बेसिन फ्लडिंग हमने देखा था यहाँ पे सर, उसके बाद हमने फरो देखा था, फरो में रिजेस में हम लोग क्रॉप्स को ग्रो करते थे। उसके बाद सर हम लोग यहाँ पे स्प्रिंकलर हमने पढ़ा सर, है ना। उसके बाद स्प्रिंकलर में हमने कुछ कंडीशंस देखी, ड्रिप इरिगेशन देखा, कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे। फिर सर आपने हमको क्या नाम है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स बताए इरिगेशन के लिए, है ना। सर आपने सेडिमेंटर कंसंट्रेशन बताया हमको। सर आपने टॉक्सिक एलिमेंट्स के बारे में समझाया। सॉल्युबल सॉल्ट में आपने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की हेल्प से मेजर करवाया, ठीक है सर। ये सब इसकी लिमिट्स थी, परमिसिबल वगैरह सब याद है सर हम लोग को। सोडियम आयंस का सिस्टम देखा, बाइकार्बोनेट का पता चला, और वाटर, फिर हमने सॉइल मॉइस्चर वाले चैप्टर में आगे सर हमने देखे तीन टाइप के पानी है, ग्रेविटेशनल, कैपिलरी और हाइग्रोस्कोपिक। याद आ रहा है बेटा? बिल्कुल सर, कैपिलरी वाटर अवेलेबल वाटर था सर। उसके बाद आपने सर हमको ये सॉइल मॉइस्चर कॉन्स्टेंट ग्राफ समझाया, बहुत ही जबरदस्त ग्राफ था सर। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमको समझ आई, जीरो से बाद परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, फिर उसके बाद फील्ड कैपेसिटी, फिर सैचुरेशन कैपेसिटी, ठीक है। सैचुरेशन और फील्ड के बीच में जो पानी है सर वो ड्रेन ऑफ हो जाता है नीचे अंडर ग्रेविटी सर। इस एफ सी और पी डब्ल्यू के बीच में जो पानी है वो हमारा अवेलेबल वाटर है, उसका कुछ हिस्सा सर हमारा आसानी से अवेलेबल रहता है, उसका कुछ ही हिस्सा बेटा हमारा आसानी से अवेलेबल रहता है, ये बात समझ लो, ठीक है। फॉर्मूला वॉर्मला सर आपने देखा ही था, आराम से याद हो गया था, ठीक है। कुछ फॉर्मूले सर तुमको यहाँ पढ़ाए थे और इनके क्वेश्चन भी कराए थे। ये फॉर्मूला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ गया, आ जाओ जल्दी, ये वाला डेप्थ ऑफ रेड लेवल मॉइस्चर एग्जाम में यही बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन देखे थे हमने, उम्मीद कर रहे हैं तुमको ये समझ में आए होंगे। फिर हमने क्रॉप सीजन देखे थे, हमने सर मेनली रबी और खरीफ दो सीज़न देखे। खरीफ मतलब मानसून सीज़न, जिसमें चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है सर नॉर्थ में स्पेशली, और रबी में विंटर सीज़न में हमारा गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा होती है। बाकी होते तो और भी बहुत सारी क्रॉप्स हैं, सरसों और मूंगफली, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिलहाल तुमको हम यहाँ पे मेजर मेजर के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि तुमको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं। बेस पीरियड हमने समझा सर, बेस पीरियड सर वो टाइम है जब आपने पानी पहली बार से लेकर आखिरी बार तक जितना पानी दिया है जिस पीरियड में फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप, किसी एक क्रॉप के लिए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा बेस पीरियड, ठीक है। कोई एक फसल लगाई 100 दिन तक हमने पानी देते रहे उसको, तो वो हमारा बेस पीरियड हो जाएगा, ठीक है। पानी देने की बात है, और क्रॉप पीरियड का मतलब होता है एग्जैक्टली क्रॉप कब से कब तक रही, बीज बोने से लेकर जब तक उसको कटा नहीं गया है, जब तक उसको हार्वेस्ट नहीं गया है, तब तक हम लोग का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको क्रॉप पीरियड बोलते हैं। दोनों लगभग लगभग सेम ही मानते हैं, ठीक है, दोनों को लगभग लगभग यहाँ पे सेम माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने कुछ टर्म्स तुमको बताते हैं, पहली इरिगेशन, फर्स्ट वाटरिंग मतलब जमीन की तैयारी, और बीज के स्टार्टिंग में बोने के जो प्रोसेस होती है उसके लिए जो फैसिलिटेशन होता है, उसके लिए जो हम लोग पानी डालते हैं उसको हम लोग पहली इरिगेशन बोलते हैं। उसके बाद जब बीज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है 50 सेंटीमीटर साइड, तो पहली बार जो वाटरिंग करते हैं उसको कोर वाटरिंग बोलते हैं। अमाउंट ऑफ डेप्थ जो डालते हैं उसको कोर डेप्थ बोलते हैं, और जितने टाइम के बीज को छोड़ा था उसे हम लोग कोर पीरियड बोलते हैं, ठीक है सर। ये भी बात समझ में आ गई। उसके बाद सर आपका फॉर्मूला, आपने हमको ड्यूटी डेल्टा का समझाया था, आपने सर हमको बताया था ड्यूटी इज नथिंग बट एरिया एरिया दैट कैन बी इरीगेटेड विद यूनिट अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है, एरिया दैट कैन बी इरीगेटेड बाय यूनिट अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज। ये सर आपने ड्यूटी हमको समझाया था। सर आपने एक और कमाल की चीज़ बताई थी, आपने बोला था कि जो क्रॉप ज़्यादा पानी पिएगी, मतलब जिसका डेल्टा ज़्यादा होगा सर, जिसका डेल्टा ज़्यादा होगा, है ना सर, उसका एरिया हम लोग कम इरीगेट कर पाएंगे उतना ही डिस्चार्ज से, ठीक है। जैसे मान लो सर हम लोग दोनों जगह डिस्चार्ज सेम जा रहा है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम सर दोनों जगह सेम जा रहा है ना, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम दोनों जगह सेम जा रहा, डिस्चार्ज सेम जा रहा है, ठीक है, Q1 Q2 सेम है। तो सर जो ज़्यादा पानी पिएगा उसका हम लोग कम एरिया इरीगेट कर पाएंगे सर, सच्चाई है। इसका मतलब ड्यूटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमने एक चीज़ देखी थी कि ड्यूटी और डेल्टा आपस में कैसे है बेटा, इनवर्स, ड्यूटी डेल्टा आपस में इनवर्स है, क्योंकि जो ज़्यादा पानी पिएगा, जो ज़्यादा पानी कंज्यूम करेगा, उसका हम लोग कम एरिया इरीगेट कर पाएंगे, ठीक है। और ये डिपेंड करता है मेनली नेचर ऑफ क्रॉप पे और लॉसेज वगैरह पे, लॉसेज वगैरह कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। और बाकी हमने देखो यहाँ पे ड्यूटी डेल्टा का रिलेशनशिप देखा था, डेल्टा सर हमारा क्या था, 8.64 B/D था, ये रिलेशन हमने देखा था। बल्कि रिलेशन सर याद करने को बहुत बड़ा काम था नहीं सर, हमने एक ट्रिक आपकी सीख ली थी सर, जो आपने हमको ट्रिक समझाई थी, वो ट्रिक क्या थी बेटा, एक सेकंड रुको, ये हट क्यों नहीं रहा यार, ये नीचे वाला सिस्टम पिन हो गया क्या, इसको हटाओ, हटो यार जल्दी, क्या मुसीबत हो गई यार ये,
भैया नीचे वाली लाइन ही नहीं हट रही है आज पता नहीं कि। चलो भैया और बस ठीक है, अभी पर जरा हट के वापस आए। हाँ जी नीचे वाले भाई साहब नाराज़ चल रहे हैं भैया, है ना। नीचे वाले साहब जो हैं टूल्स कहाँ चले गए फिर। वाह सिस्टम है बेटा सिस्टम, आज तो कुछ गड़बड़ हो गई लग रहा है। चलो काम चलाते हैं हम लोग यहाँ पे। उस दिन तुमको क्या सिखाया था हमने, पेज मूव हो नहीं रहा है, दोबारा बंद करके चालू करें क्या। चलो चलने दो अभी ठीक है। तो हमने उससे तुमको क्या बताया था कि वॉल्यूम जितना पानी का आ रहा है फील्ड में और जितना पानी स्टोर हो रहा है वो सेम होगा, है ना। तो क्यू इंटू टाइम जो वॉल्यूम एंटर कर रहा है और जो एरिया इंटू डेल्टा जो स्टोर हो रहा है वॉल्यूम, वो दोनों सेम होगा ठीक है। उसमें एफिशिएंसी का फॉर्मूला फैक्टर भी लगेगा, ये बात हुई थी हमारी ठीक है। चलिए ठीक है सर, याद आ गया। बाकी क्वेश्चंस कुछ हमने देखे थे नॉर्मल टाइप के, वो आपको समझ में आ गए थे। बाकी फैक्टर्स जो ड्यूटी को अफेक्ट कर रहे थे उन्होंने क्या था, टाइप ऑफ क्रॉप था, क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, बेस पीरियड था, मेथड्स ऑफ इरिगेशन था, जिसके अंदर हमने देखा कि सर ये सारे फैक्टर्स हैं जिसमें देखो सोचने का तरीका। मैंने तुमको बताया था कि वाटर रिक्वायरमेंट जहाँ पे ज़्यादा हो ऑटोमेटिकली ड्यूटी वहाँ पे कम हो जाएगी ठीक है। मतलब ड्यूटी डेल्टा आवर्स इनवर्स ऐसे करके तुम सारे फैक्टर्स पे दिमाग लगा सकते हो ठीक है। एक लाइन एंड लाइन का एग्जांपल मैं पूछा था। फिर ड्यूटी एट वेरियस प्लेसेस हमने देखी। सर आपने हमको एक कमाल की चीज़ बताई, सर आपने हमको एक बहुत कमाल की चीज़ बताई। क्या कमाल की चीज़ बताई थी हमने, सुनना ध्यान से। देखो यार हमारे दुनिया में नदियाँ हैं बहुत सारी ठीक है, हमारे जो अपने प्यारा भारत देश है उसमें नदियाँ अच्छी खासी हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, नदियों से बहुत सारा नेटवर्क निकालते हैं ठीक है। नदियों से एक कैनाल निकला इधर, एक कैनाल उधर निकला, तो कैनाल से पानी जाएगा ठीक है, मेन कैनाल उसको बोलते हैं। नदी से जो कैनाल डायरेक्टली निकलता है उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, मेन कैनाल ठीक है। तुम इमेजिन करो कि जैसे तुमको शायद पता हो कि अपने इंडिया में ऊपर गंगा और यमुना दो नदी हैं, उनके बीच में बहुत सारे गाँव पड़ते हैं ठीक है। तो हम लोग हर जगह पानी पहुँचाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, नदियों से मेन कैनाल, फिर उनसे और छोटे ब्रांच कैनाल, मेजर डिस्ट्रीब्यूटिव पूरा एक नेटवर्क बना देते हैं। मतलब पानी इधर से उधर गया, इधर से उधर गया, तो पूरा पूरा जो नदी का पानी वो डिस्ट्रीब्यूट होकर पूरे पूरे कैचमेंट एरिया में फैल जाता है, पूरे पूरे कैचमेंट एरिया में फैल जाता है ठीक है। सर ये बात समझ में आती है हमको, पूरे कैचमेंट एरिया फैल गया। उसके बाद वो पानी फील्ड में एंटर करेगा, फील्ड में जितना पानी यूज़ हुआ हुआ, जितना पानी बच के नालियों से आया, नालियों से वापस पानी इकट्ठा कलेक्ट होके सारा पानी फिर से हमको नदी में पहुँचाना पड़ता है। सिस्टम समझो, सिस्टम सर ये है, नदियों से सर मैंने पानी को निकाला, कैनाल सिस्टम के थ्रू हमने पानी को फील्ड तक पहुंचाया, तोड़ तोड़ के सर एक एक फील्ड तक पानी पहुंचा, फिर वही सारा पानी वापस कलेक्ट होके थ्रू ड्रेनेज सिस्टम नॉट कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम का काम है कि सर पानी को नदी से फील्ड तक पहुंचाना हर एक फील्ड में, इसको बोलते हैं कैनाल सिस्टम। फील्ड से सारा वापस गंदा पानी या जितना बचा हुआ पानी है उस पानी को वापस से कलेक्ट करके फिर से मेन नदी में डालना, इसको बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में बहुत सारी पाइप होती हैं और कैनाल में सर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो इस तरीके से तुम इमेजिन कर सकते हो कि हमारा पूरा कैचमेंट एरिया के अंदर दो बहुत तगड़े सिस्टम बने होते हैं, कैनाल और ड्रेनेज, है ना। अब तुम देखो जैसे तुम जिस किसी शहर में रह रहे हो आजकल, है ना, तुम किसी शहर गांव में रह रहे हो, तो तुम जनरली क्या देखते हो कि नदी से तुम्हारे घर तक पीने वाला पानी आता है। सिमिलरली वैसे कैनाल का पानी फील्ड तक पहुँचाया जाता है ठीक है, नदी से पानी फील्ड तक पहुँचाया जाता है ठीक है। तो मेनली नदी के अराउंड ही हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, ये बात तुमको पता होगी ठीक है। जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो उस पानी चाहिए भाई, सीधी बात है। तो सर हमारे घरों में बहुत सारा पानी नदियों से धीमे धीमे ब्रेक कर करके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स में टूट टूट के पाइप्स के थ्रू हमारे घरों तक आता है, ऐसा समझो। और फिर हमारे घर से पानी वापस हम लोग जो वेस्ट वाटर है बहुत सारा पानी निकल निकल के सब ड्रेनेज के थ्रू कलेक्ट होकर सारा पानी इकट्ठा होकर वापस नदी में जाता है, एक साइकिल से चलती है ना। ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं अलग बात है, लेकिन फिलहाल हम लोग बताना चाह रहे हैं जैसा प्रोसेस हम लोग घर में चलता है, रॉ वाटर आता है और सीवेज वाटर जाता है, सेम काम यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं। सर यहाँ पर क्या है, हम लोग यहाँ कैनाल से पानी फील्ड तक पहुँचता है और फील्ड से बचा हुआ पानी वापस नदी में पहुँचता है ठीक है। तो एक रिवर से फील्ड से रिवर, रिवर से फील्ड कैनाल सिस्टम के थ्रू जाएगा और वापस से आएगा ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो तुमको पता रहनी चाहिए, एक ओवरऑल व्यू तुमको हम दे रहे हैं यहाँ पे ठीक है। कमेंट्स वमेंट्स तुम लोग को दिख भी रहे नहीं है, एक बार देख लिया जाए, एक सेकंड रुको जरा, कमेंट हो जाते हैं बीच में गायब, हैंग हो जाता है, हैंग। शेयर वेयर कर दो बेटा जल्दी से। सर डेप्थ ऑफ वाटर का हाइट रूट, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, वो कोई डेप्थ ऐसी नहीं डेप्थ है, डेप्थ ऐसी कोई डेप्थ नहीं होती कि उसको हम पानी कहाँ से मेजर कर रहे हैं ना। अच्छा लड़के का 10 मिनट में बार का एग्जाम शुरू होने वाला है, बेटा फोकस, हाई फोकस ठीक है एकदम, और कुछ मत सोचना, पैनिक मत करना बिल्कुल, और ये मत सोचना कि दो चार क्वेश्चन गलत हो गए तो बाकी देखो
मैच खेलना बढ़िया से, और शुरू में अगर 4-5 रन नहीं भी बनते हैं तो लंबा मैच होता है, पूरे 3 घंटे परफॉर्मेंस अपनी हाई देने की कोशिश करना, ठीक है, बस यही टिप है बेटा। जो चाहो वो पढ़ सकते हो तुम, ठीक है, जो चाहो वो पढ़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है सर। तो ये बात हमको बढ़िया समझ में आ गई है, और हम लोग अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अगर आए तुम आराम से देखना इनको, देखो सर इसमें क्या है सर, इस क्वेश्चन के अंदर सर यहाँ पे देखिए हमको कुछ कैलकुलेशन बोल रहा है, कह रहा है डिस्चार्ज कैपेसिटी रिक्वायर्ड एट द आउटलेट टू इरीगेट। आउटलेट तुमको ने बता दिया बेटा, आउटलेट क्या होता है देखो जरा यहाँ पे, ये देखो ये हमारा आउटलेट है बेटा, ये हमारा आउटलेट है, हाँ सर ये आउटलेट है हमारा सर, नदी से पानी हम पहुँचा, तो आउटलेट में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमारा कि आउटलेट में मैं कितना पानी यहाँ पे डिस्चार्ज दूँ कि हमारी फील्ड जो 2600 हेक्टेयर की है, देखो क्वेश्चन कह रहा है 2600 हेक्टेयर की फील्ड है, आउटलेट में कितना डिस्चार्ज दें कि हमारा जो गन्ना है सर जो हमने फील्ड में लगा रखा है 2600 हेक्टेयर में, जिसकी कोर डेप्थ 17 सेंटीमीटर है, कोर ब्लेड 30 दिन का है, उसको आराम से पानी मिल जाए, उसको आराम से पानी मिल जाए, ठीक है। चलिए सर समझ गए, तो देखिए सर यहाँ पे जो डेप्थ की रिक्वायरमेंट है वो है 17 सेंटीमीटर, कोर डेप्थ मतलब शुरुआत की बात चल रही है ना, शुरुआत की बात चल रही है, 30 दिन सर इसका बेस पीरियड एक तरह से कोर पीरियड है ना, और एरिया सर इसका 2600 है। तो सर देखिए हमको यहाँ पे निकालना क्या है, हमको निकालना है डिस्चार्ज क्यों निकालना है, तो देखिए सर हमने सिंपल सा फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, तुम चाहो तो बेसिक रिलेशनशिप वाले फॉर्मूला लगा सकते हो, डेल्टा इज इक्वल टू क्या 864 V/D, और ड्यूटी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ड्यूटी को हम लोग लिख सकते हैं एरिया अपॉन डिस्चार्ज, ठीक है, ड्यूटी को हम लिख सकते हैं एरिया अपॉन डिस्चार्ज, ऐसे लिख दिया, डेल्टा की वैल्यू पुट करी, ये करी, बेस रेट दिन में रखा, एरिया को हमने हेक्टेयर में रखा, डिस्चार्ज ऑटोमेटिक निकल के आ गया, डिस्चार्ज ऑटोमेटिक निकल के आ गया, ठीक है, सिंपल तरीका है हमारा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बताओ इस तरह क्वेश्चंस तुम लोग कर लोगे कि नहीं, कमेंट कर दो यार एक बार, देख लो थोड़ा ध्यान से इसको, इस तरह क्वेश्चंस हो जाएंगे, बताओ भाई। कमेंट करके बताओ, ठीक है सर समझ गए, तुम चाहो तो इसको वैसे भी कर सकते थे कि जितना पानी फील्ड में आया Q into time is equal to area into depth, एरिया दिया है, डेप्थ दिया है, टाइम 30 दिन दिया है, तो यहाँ से भी डिस्चार्ज निकल जाएगा, यूनिट मैच करके देख लेना अपना, ये भी फॉर्मूला तुम्हारे पास है, ये भी फॉर्मूला है ना, तो इसी से वैसे ये रिलेशन बना है ना, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उम्मीद कर रहे हैं तुमको ये फॉर्मूला बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, क्योंकि इससे क्वेश्चन तुमको पक्का मिलने ही वाले हैं, कोई इसमें दो राय है ही नहीं, है ना। चलिए ठीक है सर, तो हम लोग थोड़ा सा जरा टर्म्स यहाँ पे देखना शुरू करते हैं, कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे हम लोग देखना शुरू करेंगे, तो हम यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखने वाले हैं, थोड़ा ध्यान देना बेटा, ठीक है, फोकस करना, कई सारे टर्म्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, डायरेक्टली हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कैनाल इरीगेशन, ठीक है, अच्छा ठीक है सर। तो देखिए पहले तो हम लोग बात करते हैं कैनाल की, सर देखिए यहाँ पे आपने एक ज़मीन ली है, एक छोटा सा बड़ा एरिया है ये, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं एक बड़ा सा एरिया है, इसमें हमारे कैनाल का पानी पहुँच सकता है दूर दूर तक, ठीक है, समझना बहुत ध्यान से, मान लो हमारी एक मेन कैनाल जा रही है, इस मेन कैनाल से इस पूरे एरिया में पानी पहुँच सकता है, ठीक है, अनलिमिटेड पानी जितना हम चाहें कैनाल से हम पहुंचा सकते हैं लंबे समय तक, 100 दिन 200 दिन जितना भी चाहें, ठीक है। तो जो पूरा एरिया है जहां पे हमारा कैनाल पानी पहुंचा सकता है उस एरिया को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस कमांड एरिया, GCA। चलो कमेंट करो क्या बोलते हैं बेटा, सर मैं बोलता हूँ ग्रॉस कमांड एरिया, ग्रॉस कमांड एरिया मतलब वो एरिया सर जहां पे हमारा नहर का पूरा पानी आराम से पहुंच सकता है एकदम, ठीक है सर। चलिए मेरे दिमाग में बात गई, ठीक है, हम एक क्वेश्चन यहाँ साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, चलिए ठीक है सर। तो एक क्वेश्चन है जिसके अंदर ग्रॉस कमांड एरिया 10,000 meters square दिया है, मतलब 10,000 meters square मतलब 1 हेक्टेयर, मतलब इसका मतलब ये हुआ सर कि आपका जो कैनाल है वहाँ से 10,000 meters square में पानी एकदम आराम से फैल रहा है, एकदम आराम से फैल रहा है, ठीक है। अब देखिए सर होता क्या है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें सारा का सारा एरिया उपजाऊ हो, भाई सीधी सी बात है सर, सर देखिए कुछ एरिया ऐसा हो सकता है जो वहाँ पे क्या पता तालाब बना हो, क्या पता वहाँ पे बंजर ज़मीन हो, तो जो अनबैरन लैंड है ना, तुम समझ सकते हो जहाँ पे हम लोग कल्चर नहीं कर सकते, जैसे तालाब में थोड़ी तुम फसलें उगा दोगे यार, है ना, अब तालाब है मान लो कहीं बंजर ज़मीन है, भले ही वहाँ पे कैनाल से पानी पहुँच सकता है, कैनाल की रेंज में है पानी, वहाँ जा सकता है कैनाल के थ्रू, लेकिन वहाँ पे हम लोग बीज बो ही नहीं सकते, अनकल्चरेबल लैंड है ना, तो जितनी बची हुई ज़मीन होती है ये जो फालतू ज़मीन है इसको हटा दें, तो ग्रॉस कमांड एरिया में सर अगर मैं ग्रॉस कमांड एरिया में यहाँ पे बहुत ध्यान से रखना, ग्रॉस कमांड एरिया में अगर मैं अनकल्चरेबल एरिया मतलब ये अपना बैरन लैंड और ये सब जो लेफ्ट ओवर पोर्शन इनको हटा दें, तो हमें मिलता है बेटा कौन सा एरिया, हमें मिलता है CCA मतलब कल्चरेबल कमांड एरिया, कल्चरेबल मतलब जहाँ पे हमारे बीज उग सकते हैं, कल्चरेबल कमांड एरिया, ठीक है, कल्चरेबल मतलब जहाँ पे हम लोग फसलें उगा सकते हैं, ठीक है सर, ये भी बात मुझे समझ में आ गई। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि नहर जहाँ जिस एरिया में पानी पहुँचा सकती है वो अपना अगर ग्रॉस कमांड एरिया टोटल, तो उसमें से कुछ हिस्सा ऐसा है जिसमें हम लोग कल्चर कर सकते हैं और कुछ हिस्सा है जो बेकार पड़ा रहेगा, भले ही वहाँ पे नहर का पानी कैनाल का पानी पहुंच सके, ठीक है सर। अब देखिए एक और बात,
सर इसके अंदर भी दो चीज़ें हैं, इसके अंदर भी दो चीज़ें हैं सर, क्या दो चीज़ें हैं? एक होता है हमारा कल्चरेबल कल्टिवेटेड कमांड एरिया और एक होता है कल्चरेबल अनकल्टिवेटेड। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखो हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, हमारे इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो कल्चरेबल कमांड एरिया 9000 है, मतलब 1000 जो है लेफ्ट आउट एरिया है, 1000 बंजर है, 1000 जो अपना अनबैरन मतलब कह सकते हैं वहाँ पर कोई खेती वगैरह नहीं हो पा रही है, ठीक है ऐसा है। लेकिन सर देखिए दो सीज़न आए, एक सीज़न सर मेरा था खरीफ सीज़न और एक था मेरा सर कौन सा सीज़न, रवि सीज़न, ठीक है। दो सीज़न सर मेरे यहाँ पे निकल के आ गए, एक खरीफ और दूसरा कौन सा सर, रवि सीज़न, ठीक है। चलिए सर नो प्रॉब्लम। सर देखिए खरीफ सीज़न है, मैंने जब देखिए मुझे पता है मेरे पास 9000 का एरिया है, मुझे पता है सर 9000 का एरिया टोटल है यहाँ पे सर। लेकिन उसमें से जब मैंने देखा कि सारे किसान किसी ने कुछ किसी ने कुछ किसी ने कुछ बीज बोए, तो सिर्फ 6000 एरिया में कल्टिवेशन हुआ, समझो 9000 में से सिर्फ, देखो तुम बीज अगर बोते तो पूरे 9000 बीज बो सकते थे, चाहते तो हम लोग वहाँ पे सो कर सकते, लेकिन हमने जब देखा कि किसी किसान ने थोड़ा सा एरिया, किसी ने थोड़ा सा एरिया, सबका मिला जुला के तो देखा गया, तो देखा गया कि भाई कल्टीवेशन तो खरीफ सीज़न में मानसून सीज़न सिर्फ 6000 में हुआ, नहीं समझे, सिर्फ 6000 में बचा कितना रह गया कमेंट करना, 9 में से 6 ही इस्तेमाल करा सब ने और 3000 एरिया छोड़ दिया, तो उस 3000 को मैं बोलता हूँ अनकल्टिवेटेड, जबकि था वो कल्चरेबल, था वो कल्चरेबल, लेकिन इस सीज़न में वो अनकल्टिवेटेड रह गया, इस सीज़न में अनकल्टिवेटेड रह गया। तो देखिए सर ऐसा है कि कल्चरेबल में दो होंगे, कल्चरेबल है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहाँ कल्टीवेशन हुआ हो, कल्टीवेशन हो गया तो हम बोलेंगे कल्चरेबल कल्टीवेटेड कमांड एरिया, और अगर हमने उस सीज़न में उसको खाली छोड़ दिया तो हम बोलेंगे कल्चरेबल अनकल्टिवेटेड, मतलब इस सीज़न को हमने उसको लेफ्ट ओवर कर दिया, छोड़ दिया। बात समझ में आई, बात समझ आई कि नहीं? तो 6000 हमारा क्या है, कल्चरेबल कल्टिवेटेड, और 3000 हमारा क्या है, कल्चरेबल अनकल्टिवेटेड, वहाँ पे हम लोग बो सकते थे लेकिन हमने छोड़ दिया इस सीज़न में। ये समझ में आया? सब लोग कमेंट करेंगे एक बार या सुनो, बता दो जल्दी से समझ में आ गया कि नहीं, कमेंट करो कमेंट जल्दी से, ठीक है। हाँ बेस पीरियड हम लोग लगातार देंगे नहीं देंगे बात की बात है, लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो सब डिस्चार्ज है वो पूरे बेस पीरियड लगातार जा रहा है, ऐसा मान रहे हैं अभी कैलकुलेशन में, ठीक है। अभी हम तुमको सब बताएंगे सब चीज़ें, तुम एक्चुअल में समझोगे। चलिए ठीक है सर, तो हमको CCA समझ में आ गया, और CCA के अंदर कल्टिवेटेड और अनकल्टिवेटेड कॉन्सेप्ट भी है। ऐसे रवि में देखो हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, रवि में कल्टिवेटेड जो है वो 5400 है, तो बचा कितना बताओ, अनकल्टिवेटेड कितना है, अनकल्टिवेटेड कितना रह जाएगा यहाँ पे बताओ। अगर हमने 9000 में से 5400 में हमने यहाँ पे कल्टिवेशन किया तो बचा कितना, 3600, है ना। तो सर हमको एक बात समझ में सर आपकी आ रही है कि कल्चरेबल कमांड एरिया में, कल्चरेबल कमांड एरिया में दो हैं सर, एक होता है कल्टिवेटेड जो तुमने इस सीज़न में यहाँ पे कल्टिवेट किया, और दूसरा सर हमारा होता है अनकल्टिवेटेड, दूसरा हमारा क्या होता है अनकल्टिवेटेड, ठीक है। तो वो तुम आराम से कैलकुलेट कर लोगे। चलिए ठीक है सर, अगला डेफिनेशन क्या है सर यहाँ पे, क्रॉप रेशियो। क्रॉप रेशियो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। तुमने खरीफ में देखो यहाँ पे कितना एरिया लगाया, 6000, रबी में कितना एरिया लगाया, 5400, तो इन्हीं के रेशियो, इन्हीं के एरिया को डिवाइड कर दो, खरीफ अपॉन रबी या रबी अपॉन खरीफ के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप रेशियो बोलते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग क्रॉप सीजन हमने कितना एरिया लगा रखा है उसी एरिया के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉप रेशियो, क्या बोलते हैं कमेंट करो कमेंट, याद नहीं होंगी वरना ये सब चीज़ें, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉप रेशियो, समझ गया सर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टर्म जिसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन, IOI। अब इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन ईयरली निकाली जाती है बेटा, ईयरली निकाली जाती है, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट बताइए सर। देखो इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन क्या होता है, हम लोग सारे सीजन में जितना परसेंटेज ऑफ लैंड इरीगेट कर रहे हैं, अब बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन मतलब क्या है कि सीज़न वाइज खरीफ है रबी है जैद है जितने सीज़न है सर, है ना, हर सीज़न में कितना परसेंटेज ऑफ लैंड आपने इरीगेट किया, अब थोड़ा ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम इसमें खरीफ का एग्जांपल लें, तो 6000 ज़मीन आपने सर इस्तेमाल करी है 9000 में से, ठीक है, आपने सर 9000 में से 6000 की ज़मीन इस्तेमाल करी है, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे कल्चरेबल में 6000 अपॉन 9000 मतलब 66% एरिया में आपने इरीगेशन करा, लगभग 6000 आउट ऑफ 9000 आपने यहाँ पे 66% में इरीगेशन किया सीज़न वाइज देखो। तो अगर हम खरीफ सीज़न की बात करें तो आपका 66.7% में आपने इरीगेशन कर रखा है, अगर आप रबी की बात करें तो 5400 मतलब 5400 में हमने आपने सर कल्टीवेशन किया हुआ है आउट ऑफ 9000 मतलब 60%, है ना। तो सर आपने 60% एरिया में पानी डाला एक बार, फिर आपने 66% एरिया में पानी डाला एक बार, और मान लो कोई और सीज़न होता तो उसमें मान लो 50% पानी हम लोग एरिया में पानी डालते, तो ऐसा सबका सम कर दो, तो यहाँ पे जो हमारा इंटेंसिव इरीगेशन आएगा वो आएगा 66 प्लस 60। इसका मतलब ये हुआ
कि हमारा जितना भी कल्चरेबल कमांड एरिया था 9000, उस 9000 का 120% जो एरिया होगा, जो कि हमारा इन दोनों को प्लस करके आएगा 6,5400, ठीक है, उस 9000 का जो 120% एरिया होगा, मतलब लगभग लगभग 1.2 टाइम्स, ठीक है, कह सकते हैं 120 क्या 126 आ रहा है, वैसे 126 आएगा ना ऐड करने में, हाँ, तो उतने एरिया पे सर आपने बार बार इरीगेशन, उतने एरिया पे आपने एक एक बार इरीगेशन कर रखा है, एटलीस्ट उतने एरिया पे आपने एक एक बार इरीगेशन कर रहा है। हम कोशिश करते हैं कि इंटेंसिव इरीगेशन जितनी ज़्यादा उतना बढ़िया, क्योंकि अपना एरिया बढ़ेगा तो फसल की मतलब प्रोडक्टिविटी, मतलब कह सकते हैं टोटल यील्ड जो है बढ़ जाएगी और बढ़िया रहेगा फिर, ठीक है। चलिए सर, बात समझ में आ गई, तो हम समझ गए सर सिस्टम इंटेंसिव इरीगेशन कैसे निकलता है। सर आप इंटेंसिटी निकालिए खरीफ सीजन की, इंटेंसिटी निकालिए रबी सीजन की, एरिया को डिवाइड करिए, है ना, एरिया को डिवाइड करिए, एरिया को डिवाइड करिए, ठीक है। और एक बात सर आपको और बताएं, अगर आप सीजन वाइज इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन को डिवाइड करते हैं तो आपको क्रॉप रेशियो ही मिलता है, क्यों, क्योंकि जब तुम इसको इससे डिवाइड करोगे तो 6,500 फिर से आ जाएगा, है ना, और फिर से हमारा वो क्या बन जाएगा, क्रॉप रेशियो ही बन जाएगा। आसान चीज़ें हैं लेकिन ये सब छोटे छोटे डेफिनेशन है, तुमसे क्या पता गेट में तुमसे सर यही निकलवा लें, तो तुमको आना चाहिए, है ना, आना चाहिए, बिल्कुल सर समझ के बात, ठीक है। बाकी कुछ और भी टर्म्स होते हैं, जैसे आउटलेट फैक्टर एक टर्म हमारा होता है, आउटलेट फैक्टर हमारा एक टर्म है जिसका मतलब होता है ड्यूटी एट आउटलेट, ड्यूटी एट आउटलेट। यहाँ देखो सर, एक डायग्राम आपने बताया था हमको, यहाँ पे ये डायग्राम सर आपने हमको बता रखा है, ये आउटलेट है। अब आउटलेट पर जो ड्यूटी होगी उसको बोलते हैं आउटलेट फैक्टर, ड्यूटी एट आउटलेट को बोलते हैं बेटा, कौन सा फैक्टर, आउटलेट फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे और भी टर्म्स बहुत सारे हैं लेकिन हम लोग को इतने फिलहाल नहीं जाने हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ओवरलैप अलाउंस की। अब ओवरलैप अलाउंस क्या होता है, इसका मतलब समझो ध्यान से, ठीक है। जैसे मान लो हमारा एक खेत है, अब तुमको ये पता है शुगर केन हमारी पेरिनियल क्रॉप है, बहुत ध्यान सुनो मेरी बात बेटा, एकदम जग के बहुत ध्यान सुनो। गन्ना जो होता है पूरे साल सर उगाया जाता है, सबको पता होगा, ठीक है, पूरे साल रहता है वो। अब मान लीजिए सर आपका फील्ड 100 हेक्टेयर का है, उसमें से मैंने 20 हेक्टेयर की ज़मीन पे मैंने अपना गन्ना बो दिया सर, शुगर केन को हमने वहाँ पे सो कर दिया है, ठीक है, तो वो तो सर पूरे साल चलने वाला है, सही बात है, ठीक है। लेकिन जो बचा 80 हेक्टेयर का एरिया, 100 में से 20 में आपने शुगर केन लगा दिया, बचा हुआ 80 क्या है सर आपका वहाँ पे खरीफ सीजन में खरीफ क्रॉप, रबी सीजन में रबी क्रॉप, जैद सीजन में जैद क्रॉप, मतलब वहाँ पे रोटेशन चलता रहेगा, लेकिन जो 20 है वो अपना कॉन्स्टेंट रहेगा, है ना, बाकी सबका आना जाना चलता रहेगा लेकिन आपका शुगर केन रहने वाला है। तो ये बताओ शुगर केन अगले सीजन की क्रॉप के साथ ओवरलैप किया कि नहीं, शुगर केन अगले सीजन की क्रॉप के साथ ओवरलैप किया कि नहीं, ये बता दो बस हमको, इतना पूछना, छोटी सी बात एकदम। शुगर केन अगली क्रॉप की जो अगली सीजन की जो क्रॉप है उसके साथ ओवरलैप कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है ना, बिल्कुल कर रहा है, यस और नो बताओ, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि शुगर केन सर पूरे समय रहा, क्योंकि शुगर केन सर यहाँ पे पूरे साल रहता है, इसलिए सर वो रबी के साथ खरीफ के साथ सबके साथ बार बार आता जाएगा, तो इसलिए वो क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। अब ओवरलैप की वजह से होगा क्या, इंटेंसिटी में फील नहीं होगा बेटा, इंटेंसिटी मतलब एरिया, इंटेंसिटी मतलब एरिया, ठीक है, सही बात है। एक बार जरा लड़के को इंटेंसिटी बता देते हैं हम, इंटेंसिटी में कुछ नहीं था, बहुत सिंपल, तुम एक चीज़ समझो, एग्जांपल जैसे मान लो तुम्हारे पास 100 हेक्टेयर एरिया है, ठीक है, 100 हेक्टेयर एरिया, तुम बेटा पहले समझ लो, अब तुमने खरीफ सीजन में मान लो 40% एरिया में एक सेकेंड 40% एरिया में तुमने क्रॉप उगाई 40 हेक्टेयर, रबी सीजन में मान लो तुमने करा 60 हेक्टेयर, और जो जैद सीजन था उसमें तुमने करा मान लो 50 हेक्टेयर, ठीक है, तो तुमने अपने खेत में एक बार 40 हेक्टेयर में खेती करी, एक बार 60 हेक्टेयर में, और एक बार 50 हेक्टेयर में, एक साल के अंदर, एक साल के अंदर, तो बताओ तुमने अगर हम देखें जाए एरिया, इन सबका सम करें तो एक तरह से तुमने 150 हेक्टेयर एरिया में सिंचाई करी, ठीक है। ऑब्वियस बात है, तुम्हारा खेती का साइज, जब खेत का साइज सिर्फ 100 हेक्टेयर है बेटा, तो तुम क्या कर रहे हो, इसका मतलब तुमने कुछ जगह दोबारा से क्रॉप लगाई होगी, कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पे खरीफ के बाद दोबारा से वहाँ पे उसी कॉमन एरिया में रबी क्रॉप लगी होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि एक सीजन खत्म होता है दूसरा शुरू होता है। तो इसका मतलब सर ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जितना खेत साइज है उसका कितना टाइम्स आपने अपने एरिया पे इरिगेशन किया, टाइम्स के बारे में, है ना, कितने टाइम्स, तो आपका जितना एरिया था सर आपने उसका 1.5 गुना टाइम्स आपने इरिगेशन किया, ठीक है। इसका मतलब सर 1.5 टाइम्स आपने जब किया है तो इसका मतलब कुछ एरिया ऐसा भी रहा होगा वहाँ पे जो ओवरलैप हुआ है, है ना। अगर 100 का तुम्हारा ये 100 ही आता तो हम ऐसा कर सकते थे कि सारी क्रॉप्स अलग अलग जगह पे हम लोग ग्रो कर सकें, है ना, बस इतनी सी बात है, और कुछ थोड़ी है, बताओ सही है कि नहीं, बता दो, ठीक है। चलो तो बस इतनी सी बात है, इंटेंसिटी का मतलब हमारा टोटल कितना एरिया यहाँ पे कवर किया गया है बार बार पानी डाल के, है ना, ये होता है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है सर। अब आ जाओ वापस से, कहाँ थे हम लोग, हाँ ओवरलैप की बात चल रही थी यहाँ पे,
तो ओवरलैप में लोग बात कर रहे थे कि जो गन्ना होता है सर ना, गन्ना होता है वो अगली जो क्रॉप होती है, अगले सीजन की क्रॉप, उसके साथ क्योंकि वो चलते ही रहता है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये खेत है अपना, ये खेत है, अब यहाँ शुगर केन इतने में लगा हुआ है, यहाँ रबी है, थोड़े टाइम बाद यहाँ खरीफ आ जाएगी, फिर थोड़े टाइम यहाँ पर रबी आ जाएगी, लेकिन शुगर केन अपना कॉन्स्टेंट रहेगा। तो होता क्या है, ओवरलैपिंग के चक्कर में तुम्हारे ओवरऑल फील्ड में जो डिस्चार्ज है, ओवरऑल फील्ड में जो डिस्चार्ज चाहिए वो बढ़ जाता है। तो जो एक्स्ट्रा डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ सम क्रॉप विद द नेक्स्ट सीजन क्रॉप, इससे उसको बोलते हैं हम लोग ओवरलैप अलाउंस। इसलिए हम लोग को जो केनाल होता है उसके डिस्चार्ज थोड़ा सा बढ़ा के रखना पड़ता है, केनाल के डिस्चार्ज थोड़ा बढ़ा के रखना पड़ता है। ऐसा क्वेश्चन कैसा आएगा वो देखो, ठीक है, केनाल का जो डिस्चार्ज थोड़ा सा बढ़ा के रखना है। अब देखो क्या कह रहे हैं कि जो खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप हमारी मेन कौन सी होती है, सबको पता है चावल है ना। अब जैसे मान लो चावल है सर, उसको मान लीजिए 3 मीटर पर सेकंड पानी चाहिए, हमने एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे। और सर जो विंटर में जो क्रॉप लगने वाली है उसका जो डिस्चार्ज है वो 2 मीटर पर सेकंड आने वाला है, ठीक है सर, ये बात समझ में आती है। और जो गन्ना हमारा है जो पूरे साल रहेगा उसको 1 मीटर पर सेकंड पानी चाहिए। तो बताओ हम जो केनाल बनाएंगे उस केनाल को किसके लिए डिज़ाइन करेंगे, किस डिस्चार्ज के लिए डिज़ाइन करेंगे, कमेंट कर बता सकते हो हमको। अब केनाल जो बनाएंगे, जो केनाल से पानी आ रहा है मान लो यहाँ पे, या जो भी चैनल आ रहा है उस चैनल में हम लोग कितना डिस्चार्ज रखेंगे, तो सर देखिए अगर मान लीजिए मॉनसून सीजन चल रहा है तो खरीफ की बात चल रही है, खरीफ सीजन और शुगर केन साथ में होगी उस समय है ना, मॉनसून के टाइम में खरीफ और शुगर केन साथ में होगी। तो खरीफ और शुगर केन साथ में तो 3 और 1 हो गया, क्या कितना सर आपका 4। डिस्चार्ज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग खरीफ सीजन इज 3+1, शुगर केन का और खरीफ सीजन का, तो टोटल डिस्चार्ज कितना चाहिए 4। उस समय सर आपके चैनल में कितना पानी होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यही मान लीजिए अब आपका आ गया रबी सीजन, यही मान लीजिए आपका रबी सीजन, तो रबी के साथ शुगर केन होगी, शुगर केन तो क्योंकि रहने वाली है यहाँ पे। तब सर जो आपका डिस्चार्ज रिक्वायरमेंट हो जाएगी, तब सर जो आपकी डिस्चार्ज रिक्वायरमेंट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2+1, क्योंकि रबी में 2, इधर आपको 2 का पानी देना हो, इधर आपको 1 देना है, तो टोटल आपको 3 की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब इस समय तब आपको नहर में 3 पानी चाहिए, लेकिन फिर भी आप जो यहाँ पे चैनल बनाएंगे वो आपको डिज़ाइन तो मैक्सिमम के लिए करना पड़ेगा ना। अब 4 और 3 में ज़्यादा क्या है, 4, तो हमारा डिस्चार्ज इन द चैनल जो फील्ड में आ रहा है उसका डिस्चार्ज 4 m³ के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा, है कि नहीं, बताओ हमको उसका डिस्चार्ज 4 m³ के साथ देखना पड़ेगा। हाँ हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं मैक्सिमम ऑफ खरीफ प्लस शुगर केन एंड रबी प्लस शुगर केन, ठीक है, तो ये हम लोग समझ जाएंगे। बाकी देखो एक चीज़ समझो यहाँ पे, क्यू डिज़ाइन एक्चुअल में जो निकालते हैं हम लोग वो ऐसे निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्यू रिक्वायर्ड क्या है, सर देखिए क्यू रिक्वायर्ड जो होता है वो आपने अभी हमको समझा दिया, मैक्सिमम ऑफ 2 चीज़ें है ना, मैक्सिमम ऑफ 2 चीज़ें सर क्या, खरीफ प्लस शुगर केन, रबी प्लस शुगर केन, जल्दी हमारा सिस्टम है पूरा। अब इस रिक्वायर्ड डिस्चार्ज को हम लोग कैपेसिटी फैक्टर और टाइम फैक्टर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, कैपेसिटी फैक्टर और टाइम फैक्टर से डिवाइड करते हैं ताकि हमको डिज़ाइन डिस्चार्ज मिल जाए। अब तुम सोच रहे हो कि सर ये कैपेसिटी फैक्टर और टाइम फैक्टर क्या हो, थोड़ा सा तुमको समझा देते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे, ठीक है, जल्दी से देख लो इसको। कैपेसिटी फैक्टर सर होता क्या है ना कि आपका जो कैनाल है या जो चैनल है वो हमेशा फुल रन नहीं करता है, ठीक है, जो आपका फैक्टर कैपेसिटी फैक्टर उसका मतलब ये है कि सर आपका कैनाल जो है हमेशा फुल रन करता नहीं है, ठीक है, कभी क्या पता कैनाल आपका आधा हो, कभी 1/4 चल रहा हो, कभी 3/4 पे हो, तो कैनाल की जो कैपेसिटी होती है हमेशा फुल नहीं रहती है। तो हम ये बोलेंगे कि एक्चुअल डिस्चार्ज इन कैनाल जो होता है सर थोड़ा कम होता है, और जो आप कैनाल, जो आपकी कैनाल की फुल कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है, कैनाल की जो फुल कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो एक्चुअल डिस्चार्ज मान लो आधा ही है फुल कैपेसिटी का, भाई तुमने कैनाल बनाया 8 के हिसाब से है ना, कैनाल तुमने बनाया 8 के हिसाब से, तो समझने की कोशिश करो यहाँ पे, और एक्चुअल उसमें पानी सर कम है ना, तो एक्चुअल पानी जो है उसमें डिस्चार्ज अपॉन उसकी फुल कैपेसिटी, उसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी फैक्टर, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा कैपेसिटी फैक्टर। अब फॉर एग्जांपल मान लो, फॉर एग्जांपल तुमको यहाँ पे मान लो एक्चुअल चाहिए था 4, तुमने बोला ना अभी निकल के 4 आया, 4 चाहिए था, लेकिन हमको हमको कैनाल तो हमें पता है कि 8 m³/s पानी फ्लो करा पा रहा है, तो हमारा कैपेसिटी फैक्टर कितना हो गया 0.5, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी 8 थी लेकिन चल उसमें कितना पानी रहा है आधा, 8 उसकी कैपेसिटी थी लेकिन चल उसमें कितना रहा सिर्फ आधा, तो कैपेसिटी फैक्टर हमारा 0.5 है, ठीक है, कैपेसिटी फैक्टर हमारा 0.5 है। इसका मतलब सर अगर आप यहाँ पे 4 को 0.5 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब जो आप नहर बनाने जा रहे हैं, 4 को जो आप 0.5 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब जो नहर आप बनाने जा रहे हैं वो नहर का डिस्चार्ज कितना होना चाहिए, एक्चुअल में 8 होना चाहिए। उसको जब बनाएंगे, जब कंस्ट्रक्शन करेंगे, इंजीनियर लोग जब उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो वो आपकी 8 की होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि सर उसमें पानी जनरली आधा चढ़ता है, जनरली जो उसकी कैपेसिटी रहती है आधी, कैपेसिटी फैक्टर हाफ रहता है उसका, ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। चलिए ठीक है सर, हमको समझ में आ गई बात। तो हमारा जो डिज़ाइन डिस्चार्ज है ऑफ रिवर, या रिवर कह रहे हैं सॉरी कैनाल, वो आपका हो जाएगा क्यू डिज़ाइन, आपका हो जाएगा 8, क्यू डिज़ाइन या क्यू फुल कैपेसिटी बोल सकते हैं, ठीक है सर, ये हमको समझ में आ गया।
अब बात करते हैं यहाँ पे लोग कैपेसिटी फैक्टर के बारे टाइम फैक्टर की। अब टाइम फैक्टर का सिस्टम ये है यार कि कैनाल हमेशा नहीं चलता रहता है, ठीक है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। हमने यहाँ पे टाइम फैक्टर से भी क्यों डिवाइड किया, तुम देख पा रहे हो टाइम फैक्टर से मैं यहाँ क्यों डिवाइड किया, हम लोग उसी बात करेंगे। हमारा जो डिस्चार्ज है वो हमेशा चलता नहीं रहता है, ठीक है, कुछ ही टाइम चलता है, तो समझने की कोशिश करना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर हमारा कैनाल का डिस्चार्ज 120 दिन लगातार चलता रहा तो मान लो हमको 4 m³/s पानी की ज़रूरत थी, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन सर हमने देखा कि सर हमारे कैनाल को आधे टाइम के लिए रोक दिया गया, हमारे कैनाल को आधे टाइम के लिए बंद कर दिया गया, या मान लीजिए 1/3 टाइम के लिए बंद कर दिया गया, सर मान लीजिए इसको अब सिर्फ 40 दिन चला रहे हैं, तो बताओ अगर हम अपने कैनाल को सिर्फ 40 दिन चलाएं तो बताओ यहाँ डिस्चार्ज कितना होना चाहिए। तो तुम सोच के दो सर अगर हमारा कैनाल लगातार 120 दिन चलता तो हम उसमें 4 m³/s पानी अपने खेत में पहुँचाते। लेकिन सर अब क्योंकि कैनाल को 1/3 समय के लिए रोक दिया गया है, 1/3 समय के लिए रोक दिया गया है, सब उस रोक दिया गया मतलब 2/3 समय रोका गया है, 1/3 समय के लिए चल रहा है ना, हमारे कैनाल का रनिंग टाइम कम हो गया है, तो अब उसमें डिस्चार्ज बढ़ाना पड़ेगा ताकि उतना ही पानी खेत में पहुँच सके, ताकि उतना ही पानी खेत में पहुँच सके। हाँ सर, तो अब हमको डिस्चार्ज कितना लेना पड़ेगा, हमको सर यहाँ पे 12 m³/s पानी यहाँ पे लेना पड़ेगा ताकि इनका प्रोडक्ट 12 × 40 और 4 × 120 480 दोनों केस में सेम रहे, वॉल्यूम रीचिंग द फील्ड पर यूनिट टाइम वो आपका सेम रहना चाहिए, ये बात है। तो इसी को बोलते हैं टाइम फैक्टर। तो अगर हमसे कोई पूछे टाइम फैक्टर का फॉर्मूला क्या है तो हम बोल देंगे टाइम फैक्टर इज नथिंग बट 40/120, मतलब एक्चुअल कितना वर्किंग डेज उसने काम करा, ठीक है, नंबर ऑफ रनिंग डेज कह सकते हैं, नंबर ऑफ रनिंग डेज ऑफ कैनाल अपॉन टोटल बेस पीरियड, टोटल बेस पीरियड से कितने दिन पानी यहाँ पे चला, ठीक है, तो 40/120 हमारा हो जाएगा 1/3। या तो हम ये भी कह सकते हैं दिस डिस्चार्ज अपॉन दिस डिस्चार्ज, एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन सुनो एक्चुअल डिस्चार्ज तो ये है क्योंकि इतना चलना पड़ेगा, कंटिन्यूस डिस्चार्ज, अगर हमारा डिस्चार्ज एकदम पूरे समय रहता, अगर हमारा डिस्चार्ज पूरे समय रहता तो उसमें 4 का फ्लो रहता, अगर हमारा डिस्चार्ज पूरे समय रहता तो उसमें 4 का फ्लो रहता है ना, तो उसको हम बोलते हैं क्यू कंटिन्यूस अपॉन क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू एक्चुअल, ये भी तुम्हारा टाइम फैक्टर है। अरे यार तुम 4/12 करो या 40/120 करो, 40/120 करो या 4/12 करो, दोनों ही तो 1/3 आ रहा है ना, दोनों ही तो 1/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, सही बात है। तो हमारा जो कैनाल है वो हमको 4 के लिए डिजाइन करना है, हमारा जो कैनाल होगा ना सर उसको हमको 12 के लिए डिजाइन करना पड़ेगा, 12 की तैयारी करनी है। क्यों 12 की तैयारी करनी है, क्योंकि सर अगर मान लीजिए आपने उसको 1/3 समय के लिए खोला और 2/3 समय के लिए बंद कर दिया तो वो 4 नहीं आपको 12 पानी भेजना पड़ेगा, तो आपके जो कैनाल है उसमें 12 का पानी आ सके इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, इसलिए हम टाइम फैक्टर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो लेट अस से हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमारा कैपेसिटी फैक्टर और टाइम फैक्टर दोनों 0.5 दिया होता, मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं सर हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमारा कैपेसिटी फैक्टर भी 0.5 होता और टाइम फैक्टर भी 0.5 होता है ना, और हमारी रिक्वायरमेंट कितनी थी सर 4 की, तो हमारा आंसर क्या हो जाता पता है, तो हमारा आंसर होता सर 4 को हमें कैपेसिटी फैक्टर ऐड करना 0.5, तो आपको 8 की तैयारी करनी पड़ती और एक और पॉइंट ऐड करते तो हमको 16 m³/s डिस्चार्ज तक की तैयारी नहर में करनी पड़ेगी, समझ गए, क्यू डिज़ाइन हमारा कितना हो जाएगा 16, ठीक है, हमारा जो कैनाल बनेगा वो 16 का बनेगा, ठीक है, कैनाल हमारा बनेगा 16 की, क्यों, क्योंकि आधे टाइम जब चलेगा तो उसमें डिस्चार्ज इतना पहुंच जाएगा और उसकी कैपेसिटी जब आधी रहेगी तब भी ऐसा रहेगा, है ना, बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात, ठीक है, जब कैपेसिटी उसी कम होगी तो डिस्चार्ज हमको एक तरह से देखना पड़ता है फिर। चलिए सर बात समझ में आ गई, अब हम लोग शुरू करते हैं इरिगेशन एफिशिएंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान सुनेंगे, इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे समझना है, ठीक है। तो सबसे पहली जो एफिशिएंसी हमारी आ रही है वो लिखी हुई वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। सर आपने हमको एक चीज़ सिखाई थी कल आपने हमको एक नेटवर्क बनाया था, उस नेटवर्क में सर आपने हमको ये सिखाया कि पानी, देखो हमने अभी जो टॉपिक खत्म किया वो तुमको बता देते हैं, हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझे हैं, GCA, CCA, कल्चरेबल अनकल्चरेबल, कल्टिवेटेड अनकल्टिवेटेड, है ना, हमने सर क्रॉप रेशियो के बारे में समझा, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन को समझा, आउटलेट फैक्टर समझा और कैपेसिटी फैक्टर, टाइम फैक्टर, और अभी लास्ट में क्या देखा था हमने, ये हाँ डिज़ाइन डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं, ओवरलैप अलाउंस क्या होता है, ये सारे कुछ टर्म्स थे जो कैनाल इरिगेशन में यूज़ किया था वो हमने समझ लिए। अब हम बात करेंगे इरिगेशन एफिशिएंसीज एंड इट्स रिक्वायरमेंट की, ठीक है। इरिगेशन एफिशिएंसी 6 टाइप की होती है, मेनली 2-3 से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछे जाते हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, थोड़ा ध्यान सुनना, समझ जाओगे, ठीक है, आसान है, सुनते चलेंगे सब, ठीक है। चलिए सर, तो ये सारा समझ गए हम लोग, अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने आ रहे हैं उसका नाम है इरिगेशन एफिशिएंसी। तो सबसे पहले जो एफिशिएंसी उसको हम बोलते हैं वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी, इसको हम लोग डेरिव करते हैं, ये तुमको पता ही है, ग्रीक अल्फाबेट ईटा है, यहाँ पे ईटा सी लिखते हैं यहाँ पे,
सब्सक्रिप्ट में यहाँ पे सी लिखा हुआ है, वाटर कन्वर्स एफिशिएंसी। अब देखो सर, आपने मुझे पढ़ाया था पानी रिवर है, जैसे मान लो है ना रिवर, पानी सर मेनली हमारा रिवर से चलता है, कैनाल इरीगेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिवर में मान लीजिए यहाँ से आपने कट करा, ये आपका मेन कैनाल, फिर इसमें से निकला, कमेंट करो मेन कैनाल से क्या निकलता है, कमेंट नहीं आ रहा भाई। सर आपकी मेन कैनाल आई, ऑब्वियसली रिवर से छोटी होगी, फिर मेन कैनाल से क्या निकला सर, ब्रांच कैनाल, ब्रांच से क्या निकला सर, डिस्ट्रीब्यूटरी मेजर, फिर मान लो मेरी माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, तो इस तरह से मतलब चैनल आपका टूटता चला जाता है, ठीक है। इधर से एक और ब्रांच निकलेगी, समझ रहे, इधर से एक और छोटी डिस्ट्रीब्यूटरी, तो इस तरह से सर पूरा नेटवर्क फैल जाता है सर। लेकिन आप हमको ये बता दो एक बात, जब पानी फील्ड में पहुँचता है सर, ठीक है, एक पानी जो नदी से चला, एक पानी नदी से चला, उसको हम बोलते हैं WR। WR का मतलब है वाटर चलिंग फ्रॉम नदी। WR क्या मतलब है, वाटर चलिंग फ्रॉम नदी, समझे बात, समझे कि नहीं, थोड़ा सा इंग्लिश गड़बड़ हो गई है, वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम रिवर ये कह सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप सही से बता देते तुमको, WR का मतलब ये है कि नदी से जो पानी डाइवर्ट करा है हमने कैनाल के अंदर, उसको हम बोलते हैं WR। सही बात है सर, ऑब्वियसली बात है, उसमें से जो पानी फील्ड में पहुँचेगा कुछ हिस्सा ही पहुँचेगा, मान लो ये 100 तो 80 होगा, 20% कहाँ गया, वो सर रस्ते में गायब हो गया। सर हुआ क्या, वो जब आ रहा था रस्ते से आ रहा था, गायब हो गया सर, उसको बोलते हैं कन्वीनियंस लॉस, क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हमारी एफिशिएंसी कितनी हुई, एफिशिएंसी भी मान लो 100 चला 80 पहुंचा, चला 100 पहुंचा 80, तो हम बोलेंगे 80% हमारी एफिशिएंसी है वाटर कन्वीनियंस, ठीक है। वाटर कन्वीनियंस को लेके हमारी जो एफिशिएंसी है वो 80% है, क्योंकि 80% पानी ही पहुंचता है, बाकी 20% उड़ जाता है, खो जाता है रस्ते में, गायब हो जाता है ना। समझ में आ गई बात, ठीक है, समझ में आ गई एकदम सर। चलो थैंक यू बेटा, अब हम बात करते हैं अगली वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी की। हम यहाँ बात करते हैं वाटर एप्लीकेशन, सर ये क्या वाला है सर, ये तो हमको समझ में आ गया, ये तो हमको समझ में आ गया, इसको ईटा सी से लिखते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ईटा ए से। यहाँ पे देखो ए लिखा हुआ है नीचे, ठीक है, ईटा ए। अच्छा इसमें क्या सिस्टम है, अब सर देखिए सर, आपका जो पानी था 100 था यहाँ नदी में, और उस नदी में से मतलब 20 का मान लीजिए लॉस हो गया, 80 ही फील्ड में पहुँचा मान लो, ठीक है, फील्ड में पहुँचा 80, चलिए ठीक है सर, हमको बात समझ में आई सर आपकी। नदी में से पानी चला 100, फील्ड में पहुँचा 80। अब कमाल क्या, तुमको पता है जितना पानी फील्ड में पहुँचता है सारा का सारा रूट्स में स्टोर नहीं होता है, बता दो गलत कह रहे हो तो बता दो सर। जितना पानी आपका फील्ड तक पहुँचता है उसमें से सारा का सारा स्टोर नहीं होता रूट में सर, वाटर स्टोर इन रूट जोन मान लीजिए सर आपका सिर्फ 70 ही हुआ, 70 हुआ, बचा हुआ 10 कहाँ गया सर, बचा हुआ 10 पानी क्या होता है, थोड़ा बह जाता है। अगर जैसे फ्री फ्लडिंग है मान लीजिए आपकी सर, मान लीजिए आपकी फ्री फ्लडिंग है, तो रन ऑफ होगा ज़बरदस्त रन ऑफ होगा सर, तब आपकी जो एप्लीकेशन एफिशिएंसी और कम हो जाएगी। हमने तुमको पढ़ाया था कि नहीं कि फ्री फ्लडिंग में रन ऑफ बहुत ज़्यादा होता है, तो सर मैटर वहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है सर, तो क्या होता है रन ऑफ लॉस बढ़ जाते हैं, और अगर रन ऑफ का लॉस बढ़ गया तो खुद सोचो पानी जो स्टोर होगा वो कम होगा, और पानी जो स्टोर होगा WS वो अगर कम है तो मेरी एप्लीकेशन एफिशिएंसी भी क्या होगी। मतलब मेरा वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या है, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, देखो लिखा है वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, ठीक है, अपॉन वाटर डाइवर्ट वाटर रीचिंग द फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे WF अपॉन WR था, और यहाँ पे WS अपॉन WF है, जो यहाँ ऊपर था वो यहाँ नीचे आ गया है, सिंपल सी बात, क्योंकि उसमें थोड़ा ही पानी स्टोर हुआ है। अच्छा लॉसेज जो फॉर्म में हो रहे हैं मेनली फील्ड में पहुँचने के बाद पानी कहाँ गायब होता है सर, या तो वो रन ऑफ हो जाता है इधर उधर भाग जाता है ना, और फिर से नालियों पहुँच जाता है, या तो कुछ पानी ऐसा होता है जो बहुत ही ज़्यादा नीचे चला जाता है, डीप परकुलेशन चला जाता है, जो रूट्स के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, जो रूट्स के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा उसको हम बोलते हैं डीप परकुलेशन। वो पानी जो बहुत नीचे चला गया उसको हम क्या बोल रहे हैं बताओ, डीप परकुलेशन, वो पानी एकदम सर चला गया बहुत नीचे, तो कुछ पानी या तो बह जाएगा या तो पानी चलेगा नीचे। अब जो हमारे कोर्स सॉइल होते हैं, थोड़े बड़े बड़े दाने जिनके होते हैं, उनमें सर डीप परकुलेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये तुमको समझ में आ गया होगा। अब हम अगर यहाँ पे एफिशिएंसी निकालें तो देखिए सर आपकी कन्वेंस एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी सर, 80 पहुँचा चला था 100, तो आपकी जो कन्वेंस एफिशिएंसी हो गई सर वो हो गई 80%। यहाँ अगर हम बात करें सर, आपका पानी फील्ड में पहुँचा तो 80, लेकिन स्टोर जो है सिर्फ 70 हुआ सर, 10 पता नहीं कहाँ बह भागे निकल गया सर इधर उधर, है ना, हमको पता ही नहीं चला, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एप्लीकेशन एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन एफिशिएंसी। अब उम्मीद कर रहे हैं कि तुमको कन्वेंस और एप्लीकेशन एफिशिएंसी अच्छे से समझ में आ गई है सर, बिल्कुल समझ में आ गई है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए तो अब हम आते हैं थर्ड टाइप की एफिशिएंसी के ऊपर, ठीक है, हाँ थर्ड टाइप की एफिशिएंसी के ऊपर आते हैं, 6 है टोटल, आसान लेकिन कोई बहुत ज़्यादा टफ ऑफ नहीं है इतना, है ना। अगली है हमारी वाटर स्टोरेज, अगली क्या बेटा, यहाँ पे लिखा है वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन अपॉन वाटर नीडेड टू रीच फील्ड कैपेसिटी। समझने की कोशिश करो क्या मतलब है, देखो तुमको हमने दो कैपेसिटी बताई थी, देखो ये हमारा मान लो फील्ड कैपेसिटी है ना, ठीक है सर फील्ड कैपेसिटी है,
सर क्या हुआ कि पेड़ों ने पानी पिया तो पानी के लेवल, अब मान लो फील्ड के वैसे तक पहुंचने के लिए जीरो से तुमको 300 mm पानी देना पड़ता है, एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, ठीक है चिंता ना कर, रट लिए पता चला, तुमने याद कर लिया, तुमने बोला नहीं 300 mm हर जगह होता है, ऐसा नहीं है, एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर तुम 300 mm पानी दोगे तो तुरंत ही पहुंच जाओगे कितना, फील्ड के वैसे तक पहुंच जाओगे, एग्जांपल, ठीक है। अब सर हुआ क्या, मेरे पेड़ों ने पानी पी लिया और हम पानी कम करते करते पहुंच गए 100 पे, अब सिर्फ 100 पानी बचा है, ठीक है, तो कमेंट करके बताओ कितना पानी हम और डालें, कितना पानी हम डेप्थ यहाँ पे और डालें कि हम फिर से फील्ड कैपेसिटी पहुँच जाएँ, कमेंट करके बताओ सब लोग। सर फील्ड कैपेसिटी तक अगर आपका पानी होगा तो बहुत अच्छा रहेगा सर, क्योंकि पेड़ बढ़िया से पानी पियेंगे। सर पानी धीमे धीमे ख़त्म हो गया है, अब सिर्फ उसमें 100 का पानी बचा, सर 100 mm की डेप्थ पानी बची है, तो बताइए कितना पानी हम और डालें कि वापस फिर से हमारा जो वाटर है वो रिप्लेनिश होके फिर से 300 तक पहुँच जाए, तो हाउ मच वाटर शुड वी ऐड, कमेंट करो। सभी लोग बता रहे हैं 200, सभी लोग 200 बता रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ, ये WN है, WN का मतलब वाटर नीडेड टू रीच फील्ड कैपेसिटी अगेन, WN का मतलब क्या है, वाटर नीडेड, यहाँ लिख देते हैं हम, लिखा नहीं है यहाँ पे, WN का मतलब यहाँ पे क्या है सर, ठीक है, WN का मतलब क्या है, वाटर नीडेड टू रीच, ठीक है, फील्ड कैपेसिटी अगेन, वाटर नीडेड टू रीच फील्ड कैपेसिटी अगेन, है ना, ये समझो सिस्टम, वाटर नीडेड टू रीच फील्ड कैपेसिटी अगेन, ये हो गई बात हमारी, है ना, इसको बोल, तो मतलब हमने कैसे निकाला, हमने 300 माइनस अवेलेबल कितना पानी था 100, 300 में हमने 100 जो पानी बचा हुआ था उसको माइनस किया तभी तो हमको 200 मिला ना, हाँ सर ठीक है। अब सर एक बात सुनिए, आप देखिए हमको पता है वाटर नीड यहाँ पे 200 है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर यहाँ पे 200 पानी डालोगे, तो क्या 200 का 200 यहाँ पे स्टोर होगा, बताओ क्या 200 का 200 स्टोर, नहीं, वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ड्यूरिंग इरीगेशन हमेशा 200 नहीं हो सकता, ठीक है, हमको भले ही ज़रूरत थी यहाँ पे 200, लेकिन सर उसमें उस 200 में से सिर्फ 170 ही स्टोर हुआ सर एक्चुअल में, ठीक है, स्टोर सर हुआ कम, तो जितनी ज़रूरत थी उसका कुछ ही हिस्सा स्टोर होता है, क्यों, क्योंकि हम तुमको बता चुके हैं कुछ हो जाते हैं लॉस, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो जितना ज़रूरत है ज़रूरत से कम ही स्टोर होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, सोचते हैं कि स्टोर हो जाएगा लेकिन कुछ कमी स्टोर होता है सर, हमेशा कुछ कमी स्टोर होता है, ये होती है एफिशिएंसी जिनका ख्याल रखना पड़ता है, तो तुम्हें पानी थोड़ा सा बढ़ा के देना पड़ता है, तुम अगर 200 वहाँ स्टोर करना चाहते हो तो 230 दोगे या 240 दोगे ताकि 200 स्टोर हो पाए, तो यही सब एफिशिएंसी इसीलिए पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए सर अब अगली हमारी कौन सी आती है सर, वाटर यूज़ एफिशिएंसी, ठीक है, इसमें सर क्या सिस्टम है, सर देखिए फील्ड में जितना पानी पहुंचता है अब उसके बहुत सारे यूज़ होते हैं सर, यूज़ तुमको अगर जैसे पता हो हम थोड़ा सा बता देते हैं, सर फील्ड में जितना पानी यूज़ होता है पहुंचता है उसमें से कुछ हिस्सा यूज़ होता है बाकी हो जाता है सर लॉस, बाकी सर हमारा हो जाता है लॉस। अब यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो बात करते हैं, ठीक है सर, कहाँ कहाँ यूज़ होगा, सर सीधी सी बात है बीज बोने के पहले इस्तेमाल होगा, बीज बोने के पहले जो पानी इस्तेमाल होता है उसको हम बोलते हैं प्री सोइंग रिक्वायरमेंट, क्या बोलते हैं बालक, प्री सोइंग रिक्वायरमेंट, मतलब प्री मतलब पहले, सोइंग मतलब बीज बोने से पहले रिक्वायरमेंट पानी की, उसे हम बोलते हैं प्री सोइंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। कुछ पानी सर हमको लीचिंग करने के काम आता है तो उसको हम बोलते हैं लीचिंग रिक्वायरमेंट, अभी लीचिंग तुमको हमने पढ़ाया नहीं है, वाटर लॉगिंग वाले चैप्टर में जबरदस्त बताएंगे बेटा, मज़ा आ जाएगा एकदम, ठीक है, वाटर लॉगिंग वाले चैप्टर बताएंगे उसको हम लोग लीचिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अलग अलग तरह की पानी रिक्वायरमेंट, नर्सरी वाटर, क्या पता तुमने एक छोटी सी नर्सरी बना रखी हो जिसके अंदर तुमने बीज को मतलब अच्छा एनवायरमेंट देने के लिए तुमने एक छोटी नर्सरी बना रखी, वहाँ भी पानी की रिक्वायरमेंट होगी, तो नर्सरी वाटर रिक्वायरमेंट, तो कुछ अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट होती है। और बाकी तुम मान लो कंजम्पटिव जो हमारे पेड़ लगे हुए हैं, जो फसलें लगी हुई हैं, उनको भाई अपना ट्रांसमिशन करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है अभी, है ना, तो प्री सोइंग रिक्वायरमेंट है, लीचिंग रिक्वायरमेंट है, नर्सरी वाटर रिक्वायरमेंट है, कंजम्पटिव इरीगेशन रिक्वायरमेंट, मतलब कुल मिला के पानी जो इस्तेमाल हो रहा है सर एक्चुअल में, कुल मिला के जो पानी एक्चुअल में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो सर देखिए सीधी बात, जितना पानी फील्ड में पहुँचता है उसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल होता है और बचा हुआ लॉस में हो जाता है ना, तो हम यही बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं वाटर यूजेज एफिशिएंसी, ठीक है। देखो एक सिंपल सी बात समझो, फील्ड में जो पानी पहुंचा कितना स्टोर हुआ उसको बोलते हैं वाटर स्टोरेज, फील्ड में जो पानी पहुंचा उसमें यूज़ कितना हुआ इसको बोलते हैं वाटर यूज एफिशिएंसी, देख पा रहे हो, फील्ड में जो पानी पहुंचा कितना यूज़ हुआ बेनिफिशियली उसको हम बोल पा रहे हैं वाटर यूज एफिशिएंसी, और यहाँ पे देखो स्टोरेज था, ठीक है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, कितना पानी सॉरी एप्लीकेशन में फील्ड में पहुंचा और स्टोर कितना हुआ, ये हमारी एप्लीकेशन थी, तो एप्लीकेशन को और यूज़ को ज़रा अच्छे से समझ लो, कितना पानी हमारा अप्लाई हो पाया और कितना पानी उसमें से यूज़ हो पाया, ठीक है। तो वाटर यूज़ बेनिफिशियली इंक्लूडिंग लीचिंग वीचिंग बहुत सारे काम होते हैं, अभी तुमको हम सारे काम दिखा देते हैं, ठीक है, अभी तुम जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। फिर हमारा क्या है सर यहाँ पे, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, इसको समझते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, 1 - y/d × 100, इसमें d हमारा क्या होता है, एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन,
और वाई हमारा क्या होता है, एवरेज न्यूमेरिकल डिविएशन ऑफ वाटर डेप्थ। सर ये बिल्कुल नहीं समझ में आया, जरा समझा दीजिए, इसको एग्जांपल समझेंगे। हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं यार, ठीक है, एक छोटा सा सवाल पूछेंगे तुमसे, जरा उसका आंसर देना। तुमको याद है हमने बॉर्डर इरीगेशन के अंदर बहुत सारी पट्टियाँ बनाई थी लंबी लंबी, कितने बच्चों को याद है? हमने बॉर्डर फ्लडिंग वाले इरीगेशन मेथड में लंबी लंबी स्ट्रिप्स बनाई थी, है ना? तो सर हमने क्या देखा था कि उन स्ट्रिप्स में एक कोने से पानी चलता है दूसरे कोने तक जाता है, पानी एक कोने से चल के दूसरे कोने तक जाता है। सर तो ये बताइए, अगर पानी जैसे मान लेते हैं हम लोग एक कोने से चल के दूसरे कोने तक जा रहा है, तो क्या डेप्थ ऑफ वाटर हर जगह सेम रहेगी? क्या हमारे जो रूट जोन है पानी, देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, एक क्वेश्चन समझते हैं इसको। कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी निकालिए, लेकिन सर जब देखिए आपने यहाँ पे एक बॉर्डर स्टेप वाली पट्टी ली, ठीक है, अब बॉर्डर स्टेप में सर आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये आपका पानी यहाँ से जा रहा है, ये आपका हेड है, ये आपका हेड है और ये आपका टेल है सर, है ना? सर हमने ये देखा जब पानी इधर से जाके आगे मूव कर रहा है तो यहाँ पे पानी ज़्यादा स्टोर होता है, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारा ये बॉर्डर स्टेप हम बना देते हैं, देखो ये था ये पट्टी थी, पानी यहाँ से चल के धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था, ये हेड, ये हमारा टेल। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में पानी हमारा ज़्यादा स्टोर होता है, स्टार्टिंग में पानी ज़्यादा स्टोर होता है, ज़्यादा दबाव होता है, तो यहाँ पे मान लो पानी 2.1 मीटर तक गया नीचे, फिर 1.8 मीटर तक गया, फिर 1.5 मीटर तक गया। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दे रहा है कि हर 20 मीटर आगे 20 मीटर की जगह छोड़ के सर पानी की डेप्थ आपकी 2.1 है, फिर 1.8 है, फिर 1.5 है। तो हमको सर एक बात तो समझ में आ गई कि हमारे पूरे खेत में अगर हम पानी को फ्लो कराते हैं तो हर जगह पानी की डेप्थ सेम नहीं रहती, हर जगह पानी डेप्थ सेम रहती, कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसा होता है सर, कहीं ज़्यादा कहीं कम, है ना? तो सर देखिए आप देखिए ये जो फॉर्मूला है इसमें आप डी का मतलब समझते हैं, डी का मतलब होता है कि आप एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर निकालिए, एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर कितना स्टोर हुआ, ठीक है, हर 20 मीटर आपने मेजर करा, कहीं पे 2 मीटर, कहीं 3 मीटर, कहीं 4 मीटर पानी स्टोर हुआ, तो आप सबका एवरेज निकाल दीजिए बस, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब हम पट्टी के थ्रू आगे जा रहे हैं, मतलब इस पट्टी में पानी को आगे लेके जा रहे हैं, तो हर 20 मीटर पे आपको सर इतना इतना पानी आपको स्टोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एवरेज डेप्थ निकाल दी, एवरेज निकालने का बड़ा काम तो है नहीं, तो 2.1 प्लस 1.8 प्लस 1.5 अपॉन हमने 3 करा, सर हमको यहाँ पे 1.8 मीटर पानी की डेप्थ का एवरेज मिला, मतलब पानी की जो डेप्थ है उसका एवरेज मिल गया, सही है सर? बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ठीक है, चलो सर एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। तो यहाँ पे हमको एवरेज डेप्थ समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, जितनी भी डेप्थ यहाँ तुम देख रहे हो 2.1, 1.8, 5.5, जितनी भी डेप्थ तुमको यहाँ दिख रही है सबका डेप्थ का, जितनी भी डेप्थ तुमको यहाँ दिख रही है, अब तुम्हें क्या करना है, सबका डिफरेंस निकालना है एवरेज के साथ। सुनो ध्यान से, हर एक का एवरेज से डिफरेंस निकालो। तो हमने माइनस करना शुरू किया, हमने क्या करा, 2.1 माइनस 1.8, देखो यहाँ लिखते हैं हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, हमने क्या करा 2.1 माइनस 1.8 और हमने क्या डिफरेंस निकाला, और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लो, मैग्नीट्यूड लो, सिर्फ 0.3 गैप निकालना है बस। अगला क्या 1.8 माइनस 1.8, इसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ये मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू। फिर हमने क्या निकाला 1.5 माइनस 1.8, डिफरेंस निकालो मैग्नीट्यूड में, और उस डिफरेंसेस का एवरेज ले लो, जितना डिफरेंसेस आए हैं उन सबका एवरेज से उसका एवरेज ले लो, ठीक है, डिफरेंसेस का एवरेज, ठीक है। हम यहाँ पे डिफरेंसेस का एवरेज मतलब डिविएशन का एवरेज, डिफरेंसेस मतलब डिविएशन, मीन से कितना डिविएशन है, एवरेज से कितना डिविएशन है उसका एवरेज ले लो, ठीक है। तो यहाँ लिखे, यहाँ लिखा है एवरेज न्यूमेरिकल डिविएशन ऑफ वाटर डेप्थ, ठीक है, एवरेज न्यूमेरिकल डिविएशन ऑफ वाटर डेप्थ फ्रॉम एवरेज डेप्थ, फ्रॉम मीन डेप्थ, ये तुमने करा। तो हमने निकाल लिया सर ये कितना आया, सर ये देखिए आपका 0.3 आया, सर इसको माइनस किया तो ये आपका 0 आया, इसको माइनस किया तो आपका 0.3 आया, प्लस में लेना है हमको, है ना, अपॉन 3 करा, तो एक तरह से हमारा एवरेज डेप्थ, एवरेज डिविएशन 0.2 आ गया। तो हमारा इस 0.2 आ गया, ये हमारा बेटा वाई कहलाता है, ये हमारा कहलाता है वाई। तो इसका मतलब सर, इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पीछे हो जाओ, इसका तो सर ये हुआ कि हमारी जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी वो क्या है, 1 माइनस वाई अपॉन डी, और आराम से तुम्हारा ये आंसर 1/9 आएगा, मतलब 1/9 मतलब 8/9, मतलब लगभग 88% के आसपास हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ना, 88.8% जो है आंसर निकल के आ जाएगा। बताओ समझ में आ गई बात, सिंपल है कि नहीं, बताओ, एकदम सिंपल चीज़ है सर, कुछ करना ही नहीं था इसमें। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक चीज़ हमको बताओ, अगर मान लो सर ऐसा हो जाता कि हमारा जो खेत था सर उसमें हर जगह पानी की डेप्थ सेम रहती, एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, समझना ध्यान समझना, मान लो सर हमारा यहाँ पे डेप्थ, फिर यहाँ पे डेप्थ सर, है ना, यहाँ पे डेप्थ, हर जगह पानी की डेप्थ सेम रहती, मान लो हर जगह 2-2 मीटर होती, ठीक है, हर जगह 2-2, ऐसा पता है कब होता है? देखो जितना भी तुम्हारा फ्लडिंग वाले एग्जांपल है ना, जैसे बॉर्डर फ्लडिंग है और फ्री फ्लडिंग है, चेक फ्लडिंग का होता है पानी बहता है एक जगह से दूसरी जगह, तो होता है क्या, जहाँ से आ रहा होता है वहाँ पानी ज़्यादा स्टोर होता है, जहाँ जा रहा होता है थोड़ा दूर
वहाँ पानी कम स्टोर होता है, तो जनरली हमारा खेत में हमको अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर देखने को मिलता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसा होता है। लेकिन एक इरीगेशन था सर आपका बड़ा कमाल का, जिसका हम लोग बोलते हैं स्प्रिंकलर। सर स्प्रिंकलर पानी घूमता था और हर जगह पानी की डेप्थ बराबर जाती थी, ऐसा हम लोग उसमें अजम्पशन ले रहे हैं ना, मतलब स्प्रिंकलर की 100% एफिशिएंसी मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सर उसमें जो डेप्थ आपकी स्टोर हो रही है ना सर, जो डेप्थ आपकी स्टोर हो रही है हर जगह सेम है, किसमें स्प्रिंकलर में, समझ में आ रही बात। तो सर अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या नाम है इस केस में जहाँ पे पानी की डेप्थ आप हर जगह सेम मान के चल रहे हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे, तो बताइए यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आएगी वाटर। तो अगर हम यहाँ पे एफिशिएंसी कैलकुलेट करें, देखो दो चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं, एक तो एवरेज डेप्थ और दूसरा हमारा वाई। तो हम अगर यहाँ पे एवरेज निकालें तो एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर क्या आएगा, 2 + 2 + 2 + 2 / 4 अगर करो तो 2 ही मीटर आएगा बेटा, बताओ एवरेज यही आएगा, प्लस करके अपॉन 4 करो। सर बिल्कुल सही बात है, 4 बार है हमने देखा। अब तुम जब यहाँ पे डिविएशन निकालोगे बेटा तो तुम 2 - 2 करोगे 0, फिर 2 - 2 करोगे 0, फिर 2 - 2 करोगे 0, फिर 2 - 2 करोगे 0। सर सब तो 0 ही हो गया सर यहाँ पे, सर हर चीज़ तो 0 हो गई, तो जब सब कुछ 0 हो गया तो ये मेरा हो जाएगा 0, वाई के लिए 0 हो गई। तो अब तुम जब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी निकालोगे तो क्या करोगे, 1 - डिविएशन है ही नहीं सर, सर डिविएशन तो है ही नहीं। जब डिविएशन नहीं है इसका मतलब पानी यूनिफॉर्म है, जब डिविएशन नहीं है इसका मतलब पानी जो है सर आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तुम लोग सही बता रहे हो। तो यहाँ पे सर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, सर यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी 100% आ जाएगी, 100%। ठीक है, बल्कि हम तुमको यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं, समझ गए होगे आसान चीज़ है, यहाँ पे तुम चाहो तो नोट करके लिख लो कि जो हमारा स्प्रिंकलर इरीगेशन होता है ना, स्प्रिंकलर इरीगेशन जो होता है ठीक है, उसमें हमारा क्या रहता है यार, उसमें हमारा 100% डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी रहती है, क्योंकि हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पानी की डेप्थ हर जगह एकदम सेम सी स्टोर होती है। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल, फव्वारा सिंचाई एकदम सही जवाब है। ठीक है, एक और होती है कंजम्पटिव यूज़, लेकिन इतना पढ़ना नहीं है वो, ठीक है कि कितना वाटर, एक और होती है लास्ट 6 कंजम्पटिव यूज़, यहाँ लिखी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका फॉर्मूला हमारा होता है कितना पानी कंजम्पटिवली यूज़ हुआ अपॉन कितना डिप्लीट हुआ रूट जोन में। ठीक है, अब होता क्या है, पानी रूट जोन में कम होता है मान लो 5 mm, लेकिन पेड़ पीता सिर्फ 4 ही है, डिप्लीट जो पानी रूट जोन में कम हुआ 5 हुआ, लेकिन पेड़ ने सिर्फ 4 ही पिया, एक कहाँ गया, एक इवेपोरेट हो गया होगा, है ना। तो जितना पानी डिप्लीट होता रूट जोन में, जरूरी नहीं सारा सारा पेड़ ने पी लिया हो, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है वो, उसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पटिव यूज़ एफिशिएंसी, उसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पटिव यूज़ एफिशिएंसी। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो, इसलिए हमने यहाँ पे इसको प्रिंट नहीं लिखा था, है ना। तो इसके साथ हमारी 6 की 6 इरीगेशन एफिशिएंसी जो है बढ़िया से हो गई है समाप्त। ठीक है, 6 की 6 इरीगेशन एफिशिएंसी हमारी हो गई सर समाप्त, और बढ़िया से सब कुछ सर हमको समझ में आ गया है, वाटर कन्वेयंस, वाटर एप्लीकेशन, ठीक है, वाटर स्टोरेज, वाटर यूजेस, ठीक है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। एक आध क्वेश्चन देखते हैं तो सर थोड़ा चीज़ें और क्लियर होंगी, फिर हम लोग अपनी क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लें, तो एक क्वेश्चन देखो हमने डिस्ट्रीब्यूशन का देख लिया, एक क्वेश्चन हमने डिस्ट्रीब्यूशन का देख लिया, एक क्वेश्चन लोग यहाँ पे और करते हैं। ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन सर हमारी आंखों के सामने हमको देखने को मिल रहा है, इसको जरा सर देखा जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन सर हम लोग यहाँ पे देखते हैं और, सर कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है या बाइकार्बोनेट? बेटा कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता, बाइकार्बोनेट हो जाता है ना। देखो जितने बाइकार्बोनेट्स होते हैं, देखो बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, कुछ सॉल्युबल होते हैं, कुछ सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ सॉल्युबल, कुछ इनसॉल्युबल, कुछ घुलेबल, कुछ नॉन घुलेबल, है ना, ऐसा होता है। चलो फिलहाल इसमें जो कार्बोनेट, जितने भी कार्बोनेट होते हैं वो नहीं होते हैं डिजॉल्व, ये केमिस्ट्री है, और बाइकार्बोनेट सारे डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट सारे डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें 3 हाँ कौन सा इंपॉर्टेंट है, और आयुष कर पूछें स्टील की स्टैंड बुक, बेटा स्टील की स्टैंड बुक तुम एस के दुग्गल देख सकते हो, और पूनमिया भी देख सकते हो, और कोड को भी रेफ़र कर सकते हो, IS-800 जो कोड है उसको भी रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट वही है, और बाकी हाँ कौन से 3 इंपॉर्टेंट है वो तुमको बता देते हैं। इसमें जो एप्लीकेशन, देखो ये कन्वेंस इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, यूज़ बेकार, स्टोरेज बेकार, बस वही 2 इंपॉर्टेंट है यार, यही दोनों से क्वेश्चन इनके तो आते भी नहीं है, यही दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चन तुमको दिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग सेशन को लाइक करते चलेंगे। ठीक है सर, तो एक क्वेश्चन लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, सर हमको कि इन एन इरीगेटेड एरिया 12 m³/s। ठीक है, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे सब लोग। एक एरिया है सर, उसमें हमारा 12 m³/s पानी जो है सर, 12 m³/s पानी जो है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। ठीक है, 12 m³/s पानी है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है एक खेत की ओर, और उस खेत का एरिया सर कितना है, 0.32, मतलब सर
सर 12 मीटर क्यूब पर सेकंड जो पानी है सर ना, बढ़िया सर इसकी तरफ खेत की तरफ पहुंचा रहे हैं। और जो खेत है सर, इसका एरिया है बड़ा कमाल का, इसका सर जो एरिया है वो है आपका 0.32 किलोमीटर स्क्वायर, 0.32 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और सर कमाल क्या दिया है कि ये जो 12 मीटर क्यूब पर सेकंड पानी है, इसको हम 4 घंटे के लिए दे रहे हैं। कितने घंटे के लिए? 4 घंटे के लिए। तो ये बताओ कितना पानी हमने अप्लाई किया, वॉल्यूम वाटर अप्लाइड कितना हुआ? अगर तुम 12 मीटर क्यूब पर सेकंड पानी पहुंचा रहे हो, 12 मीटर क्यूब पर सेकंड, और टोटल टाइम 4 घंटा है, हर घंटे में 3600 सेकंड, हर घंटे में 3600 सेकंड, तो अगर तुम इसको इनटू कर दो तो तुम्हारा 1728 मीटर क्यूब पानी यहाँ पे पानी खेत में पहुँच गया, पहुँचा कि नहीं बताओ? ठीक है सर, इतना पानी मैंने खेत में अप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, लेकिन बोल रहा है कि जब हमने सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट किया, हमने जब वहाँ पे पानी फील्ड में मेजर किया इरिगेशन के बाद, तो देखा कि उसमें 0.4 मीटर वाटर स्टोर हुआ है, ठीक है, 0.4 मीटर की पानी की डेप्थ। तो वॉल्यूम एक्चुअल में स्टोर कितनी हुई, वॉल्यूम एक्चुअल में स्टोर कितनी हुई सर जी? एफिशिएंसी निकालनी है, कौन सी? वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी निकालनी है। तो देखिए सर एक्चुअल में स्टोर कितना हुआ, सर देखिए 0.4 मीटर पानी स्टोर हुआ है, डेल्टा इनटू एरिया, एरिया करेंगे तो 0.32 किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, हमको 10 की पावर 6 से इनटू करना पड़ता है। तो सर आपका 128 000 000 मीटर क्यूब, ठीक है, 128 000 000 मीटर क्यूब वॉल्यूम आपका एक्चुअल में स्टोर हो रहा है। सर पानी डाला आपने 1728 000, स्टोर हुआ 1280 000, 1728 से 1280 स्टोर हुआ, बाकी गया किधर भैया? कहाँ है किधर, कहाँ पे, जल्दी बता दो हमको सर। बाकी पानी सर यहाँ से भाग गया सर कहीं तो, सर है ना, कहीं तो भाग गया, कहाँ पे? रन ऑफ हो गया सर, या तो कुछ पानी सर आपका रन ऑफ हो गया होगा, या कुछ पानी सर बहुत ही गहरे में चला गया होगा नीचे, डीप परकुलेशन, बताया था ना अभी तुमको हमने, बताया था नहीं बताया था सर? बताया तो था, ठीक है। हाँ बेटा ये क्लास रोज होती है, रोज होगी क्या, रोज ही होती बेटा, ये तो रोज ही चल रही है ना। तो अब बताओ एफिशिएंसी निकाल लोगे कि नहीं? सिंपल, हमको अगर वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी निकालनी है तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे सर सिंपल सी बात है, हमको यहाँ पे WS/WF करना पड़ेगा बस, ठीक है। हमको सर यहाँ पे WS/WF कितना पानी स्टोर हुआ और पहुँचा कितना फील्ड में, उसको डिवाइड कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी, है ना। तो सर हमने यहाँ पे WS/WF करा और अपना आंसर 74% देखा हमने कि हमारी एप्लीकेशन एफिशिएंसी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना थोड़ी था इसमें, बताओ, ठीक है। नहीं सूखता उगता नहीं, अभी सूखता होता नहीं, जितना पानी तुमने डाला उसमें से कुछ पानी तुरंत रन ऑफ होगा या तो तुरंत कुछ पानी नीचे चला जाएगा, जो बचेगा स्टोर होगा वो हो जाएगा, ये है ना, तुरंत की बात है बेटा, सूखने उगने वाली लंबे समय की बातें हैं, है ना। हाँ ये पानी रूट जोन में स्टोर होगा बिल्कुल, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो में आपने उल्टा बताया था शायद, क्या उल्टा बता दिया था बेटा, बताओ जरा हमको, मतलब क्या चीज़ उल्टी बताई वो बताओ हमें, हम फिर चेक कर लेंगे एक बार, है ना। हमको तो लग रहा है जहाँ तक सब बताया सब सही है, तो मेरे को बताना क्या उल्टा बता दिया था उसमें, है ना, तो उसको हम एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे एंड करते हैं, बस बहुत है आज के लिए, और हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ख़त्म, ठीक है। तो उम्मीद करें तुमको यहाँ पे समझ में आ गया, और इस तरह से तुम एप्लीकेशन के क्वेश्चंस आराम से कर ले जाओगे, बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन एक बात हाँ याद रखना, ये जितनी एप्लीकेशन के फॉर्मूले तुमने देखे हैं अभी वो एफिशिएंसीज के, इसमें तुम्हारी जितनी भी एफिशिएंसीज हैं सब में क्या करना, सब में यूनिट सेम रखना भाई। अगर तुम्हारा ऊपर जो टर्म है वो मीटर क्यूब में, नीचे मीटर क्यूब में रखना, क्योंकि क्वेश्चंस तुमको कभी कभी डिस्चार्ज देंगे, तो डिस्चार्ज का टर्म भी सेम रखना, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हारे रहेंगे तो आराम से देख लेना, ठीक है, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी। बाकी कन्फ्यूजन हो तो बताओ बेटा, कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछो डाउट आउट, बाकी फिर किया जाए एंड। और हम लोग अब शाम को मिलेंगे 4 बजे, जब सोम का हमारा कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन होगा उसमें बढ़िया से, ठीक है, और बनेंगे चैंपियन। कोई डाउट है पूछ सकते हो तुम लोग। सर कल मेंस में बल्ब एंगल से क्वेश्चन, अच्छा कल मेंस, कौन सा मेंस था कल? एसएससी वाला मेंस पूछ रहे हो, हैं बताइए, बल्ब एंगल क्वेश्चन आ गया, तो क्या क्वेश्चन आया था यार? अरे एक आध तो आते रहते हैं, अच्छा बाइकार्बोनेट नॉट डिसॉल्विंग वाटर ये कह रहे हो, अच्छा लेसी से, हाँ एसी मेन लेसी भी था, हाँ लेसी तो आता ही, लेसी तो हर साल आता है बिना डिजिट चेंज किए हुए। विजय कह रहे हैं बाइकार्बोनेट नॉट डिसॉल्विंग वाटर होता है बेटा, हमारे हिसाब से तो बाइकार्बोनेट पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है,
अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि मतलब, हाँ समझ गया तुम्हारा डाउट, तुम्हारा डाउट ये है कि कार्बोनेट और जो मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट बनाया था वो आपने बोला था इनसॉल्युबल है, लेकिन उसकी पीपीटी बन गई थी, है ना, उसकी पीपीटी बन गई थी, लेकिन यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि बाइकार्बोनेट जल्दी आपके पानी में सॉल्युबल होते हैं। हम तुम्हारा डाउट समझ गए, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। तो एक बार हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट स्पेशली और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी को एक बार चेक कर लेंगे तो अपनी बात खत्म हो जाएगी, है ना। ये है सिस्टम, हाँ आसान है, लेसी का डिजाइन। अभी देखो हम लोग कल ही में उसको शुरू करेंगे, कल ही हम लोग कैनाल डिजाइन शुरू करेंगे, ये चैप्टर खत्म हो गया वाटर लॉगिंग और ये, बस हम लोग कल आराम से आधे घंटे उड़ा देंगे और फिर हम लोग जो है आगे उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो टेक केयर एवरीवन, ख्याल रखो, और हम लोग को पता ही अब कहाँ मिलना है हम लोग को, कमेंट करो बेटा कब मिलेंगे हम लोग, अब मिलेंगे शाम को, ठीक है। सारे लिंक तुमको हमारे टेलीग्राम चैनल में बढ़िया से मिल जाएंगे, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना सब लोग बढ़िया से, और ठीक है। और हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे क्या नाम है, अभी 4 बजे हम लोग का कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन ऑन सोम होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन ऑन सोम चलेगा, बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे। अभी हमारा सोम जो टॉपिक हम लोग जिसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा SFD BMD चला, तो SFD BMD बढ़िया बड़े ट्रिक्स उनको हम सिखाएंगे और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, स्पेशल क्लास में होगा ये सब। शाम को कितने बजे भाई, शाम को सर 4 बजे, सर शाम को 4 PM पे मिलेंगे, ठीक है। चलो टेक केयर, बाकी नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक शेयर कर देना, ठीक है। चलो एवरीवन टेक केयर, मिलते हैं हम लोग शाम को 4 बजे, बाकी मैथ्स और तुम्हारा क्रैश कोर्स ऐसे ही चलता रहेगा रोज, टेक केयर। Unacademy. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with a test. To bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.